हेलो एवरीवन वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू मैं शालिनी आपके आपकी साइंस फैकल्टी आप सभी का स्वागत करती हूँ बिहार शिक्षक भर्ती टू पॉइंट की तैयारी में तो अगर आपका भी सामान्य या फिर आपका भी स्पेशल सब्जेक्ट आपका भी जो मेन सब्जेक्ट है जो प्रमुख विषय है अगर आपका भी वो जनरल साइंस है तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं जी हाँ बिहार ट्वेंटी फोर सेवन के यूट्यूब चैनल पे डेली एक बजे हमारी ये क्लास होती है

मेरे से या मेरे जैसे जितनी भी यहाँ पे फैकल्टीज है सभी से, से आप बात कर सकते हैं ठीक है चलिए क्लास को आगे बढ़ाएंगे जल्दी से तो मुझे ये बताइए रेडी है इम्पोर्टेंट हमारा रोज का तरीका यही होता है कि हम पहले ही आपको होमवर्क बता देते हैं कि आपको क्या तैयार करके आना है तो पिछले कई दिनों से हमारा वही एक ही टॉपिक चल रहा है इम्पोर्टेंट केमिकल कंपाउंड तो जल्दी से बताइए आगे बढ़ा जाए बहुत ज्यादा चमक हो रही है चलिए देखिएगा आगे हम्म ठीक है चलिए देखिए आज का पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहे है देखिएगा हमसे पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहे मैम पीजीडी की क्लास कब से होगी पोस्ट ग्रेजुएट की क्लास ग्यारहवीं बारहवीं की मुझे पता नहीं क्योंकि वो सर ले रहे हैं ठीक है पीजीटी वाली क्लास जो है वो सर ले रहे हैं तो उसकी अभी मुझे जानकारी नहीं है no idea, खुशी। चेक करना पड़ेगा, बाकी बातें बाद में करेंगे पहले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते देखिए पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री के जोड़े चार्ज बेल और बैटरी में इलेक्ट्रोड के रूप में काम करते हैं जो आमतौर पर टॉर्च लाइट इलेक्ट्रिक शेवर आदि का उपकरण उपयोगों में किए जाते हैं ये हमने कल भी बात की थी याद है कल जब हम ड्राई सेल की बात कर रहे थे तो कल ड्राई सेल के अंदर भी मैंने आप लोगों को बताया था कि वहां पे इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किसका यूज किया जा सकता है एनोड के लिए आप किसका यूज करते हैं कैथोड के लिए आप किसका यूज करते हैं इसके बारे में शायद हमने कल की क्लास में बात की थी ये सर नो कैथोड एनोड बताया था या नहीं बताया था नहीं भी बताया था तो एक बार देख लीजिएगा जब भी हमसे ड्राई सेल की बात की जाएगी जब भी हमसे इस तरीके से ड्राई सेल की बात की जाएगी तो याद रखिएगा इसके अंदर आप लोगों को तीन चीजों का इस्तेमाल करना होता है एक तो आप यूज करते हैं किसका एनोड का एक आप यूज करते हैं किसका कैथोड का और तीसरा आप यूज करते हैं यहाँ पे क्या तीसरा आपको यहां पे करना होता है इलेक्ट्रोलाइट तो अगर ड्राई सेल की बात की जाएगी तो ड्राई सेल के अंदर एनोड के रूप में निकल हाइड्रोक्साइड का यूज किया सॉरी कैडमियम का यूज़ किया जाता है एनोड के रूप में आप किसका यूज करेंगे एनोड के रूप में आप यूज करते हैं किसका कैडमियम का के लिए आप यूज करते हैं किसका निकल हाइड्रोक्साइड का निकल हाइड्रोक्साइड का और इलेक्ट्रोलाइट आप लोग बताएंगे कल ही मैंने आप लोगों को बताया था इलेक्ट्रोलाइट के लिए आप किसका यूज करते हैं हाइड्रोक्साइड का ये कल भी आप लोगों का क्वेश्चन था इलेक्ट्रोलाइट के लिए आप किसका यूज करेंगे पोटासियम हाइड्रोक्साइड का ठीक है अब क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए तब तक मैं देखूं कौन से बच्चे क्या पूछ रहे हैं निकेता त्रिपाठी पूछ रही हैं नौवीं दसवीं का बीपीएससी का साइंस का क्लास आपसे मुझे पढ़ना है तो निकिता बता तो दिया पिछली क्लास में बता दिया था अभी आप छठी आठवीं में थे मैंने तब भी बताया था वेबसाइट पे जाके आप उसको खरीद लीजिए आपकी आज की क्लास छूट गई है कल तो सिर्फ इंट्रोडक्शन था आपकी आज की क्लास जो छूटी हुई होगी वो रिकॉर्डेड वहीं पे एप्लीकेशन पे सेव हो गई है आप वहाँ रिकॉर्डेड देख लीजिएगा अगर आज क्लास ज्वाइन कर लेते हो तो कल फिर लाइव देख लोगे ठीक है बैच खरीद लो और बैच खरीदने के लिए अगर कोड यूज करना चाहो तो वाई यूज करके आप डिस्काउंट भी ले सकते हो ठीक है मैम टीचिंग महापैक में अयाची बैच नहीं है महापैक में नहीं है एक ऐसी महापैक में कभी भी बीपीएससी का कोई भी नहीं होता जैसे अब सत्तरवीं बीपीएससी होगी वो महापैक में इंक्लूडेड नहीं होगा ये भी बीपीएससी ले रही है तो ये भी आपका महापैक में इंक्लूडेड नहीं है ठीक है शिक्षक भर्ती का महापैक एक अलग से है जिसमें छठी आठवीं नौवीं दसवीं ग्यारहवीं बारहवीं सबकी सारी क्लासेस है वो महापैक अलग है ठीक है चलिए तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा था यहाँ पे पूछा जा रहा था वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर एज इलेक्ट्रोड मतलब कैथोड एनोड के लिए किसका यूज करोगे तो देखो यहाँ पे दिया ये रहा निकल एंड कैडमियम का किसका यूज करेंगे निकल एंड कैडमियम का यूज करेंगे और अगर इलेक्ट्रोलाइट पूछा होता तो फिर आप बता देते किसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को ठीक है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अगला क्वेश्चन देखेंगे माइक्रोवेव ओवन में उपयोग की जाने वाली माइक्रोवेव ट्यूब को क्या कहते हैं जल्दी से बताइए उस ट्यूब को क्या कहा जाएगा तो इसको क्या कहा जाता है इसको कहा जाता है ये अभी कुछ दिन पहले देखो मेरा माइक्रोवेव काम करना बंद कर दिया था इसी तरीके से देखो याद आता है अभी कुछ दिन पहले ही जो मेरा माइक्रोवेव है वो बहुत ही देर में गरम कर रहा था है ना जो दूध की बॉटल मात्र सात सेकंड में उसके अंदर का दूध गर्म हो जाता है वो बहुत देर लगा रही थी दस दस पंद्रह मिनट पिज्जा बनने में तो दो घंटा लग गया था तो तब जब हमने को बुलाया तो उसने बताया कि क्या खराब हो गया है मैग्नेट्रॉन इसका खराब हो गया है मैग्नेट्रॉन क्या होता है उसके अंदर की जो माइक्रोवेव ट्यूब होती है उसी को क्या कहा जाता है मैग्नेट्रॉन कहा जाता है ये बहुत ही हाई पावर की एक वैक्यूम ट्यूब होती है ठीक है ये क्या होती है अगर कोई पूछे मैग्नेट्रॉन क्या है तो आप क्या बताएंगे ये एक निर्वात निर्वात नालिका होती है जहां से आपकी माइक्रोवेव एनर्जी उत्सर्जित होती है क्या कहेंगे यहां से क्या होती है यहां से आपकी माइक्रोवेव या माइक्रो तरंग ऊर्जा उत्सर्जित होती है ठीक है तो मैग्नेट्रॉन क्या है मैग्नेट्रॉन इज अ वैक्यूम ट्यूब या फिर कह सकते हो हाई एनर्जी हाई एनर्जी वैक्यूम ट्यूब होती है जहाँ से आपकी माइक्रोवेव्स निकलती हैं और जो खाना बनाने के लिए फिर यूज़ की जाती हैं ठीक है फिर किसमें यूज़ की जाती हैं आपकी खाना बनाने के अंदर यूज़ की जाती हैं यहाँ पे आपका मैग्नेटिक इसे माइक्रो मैग्नेट्रॉन क्यों बोला है? क्योंकि यहाँ पे जो है वो मैग्नेटिज्म का भी यूज़ किया जा रहा है और इलेक्ट्रॉन्स का भी यूज़ किया जा रहा है तो मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को यूज करके इसका इसको बनाया जाता है फील्ड का मतलब भी काम कर रही है मैग्नेट्रॉन क्यों बोला है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का इस्तेमाल किया जाता है ठीक है हालांकि अब हम माइक्रोवेव अवन चलिए एनीवेज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते देखिए मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है देखो फ्रियॉन का यूज किया जाता है रेफ्रिजरेटर में है ना उसके बाद क्या है आपका टेट्रा इथाई लेड है लेड जो है टी ई -E -E इसको पहले एज अ एंटी नॉकिंग एजेंट यूज किया जाता था लेकिन अब क्या है निकिता त्रिपाठी क्या बना बना के भेज रहे हो ये फूल पकौड़े से <laughs> आ नहीं तो चलिए देखिएगा है ना पहले क्या होता था पहले जब स्कूटर हुआ करता था आज के जमाने में तो स्कूटर पे स्कूटर दिखते ही नहीं बस स्कूटी होती है मुझे याद है जब हम स्कूल जाते थे तो हमें पापा स्कूटर पे ही छोड़ने जाते थे और मेरे बड़े भैया तो भैया पीछे बैठते थे और मैं स्कूटर में आगे खड़ी होती थी तो कई बार स्कूटर पे किक करने पे क्या होता है खड़खड़ाहट की आवाज आती है जिसे नॉकिंग बोला जाता है वो जब उसमें खड़खड़ाने की आवाज आने लगती थी ना तो उस टाइम पे फिर जब पापा उसमें पेट्रोल डलवाते थे तो साइड में एक पाउच फाड़ के उसमें एक चीज़ और और भी ऐड की जाती थी और वो क्या होता टीई एल लेकिन अब क्या है अब इंडिया के अंदर ये टीईएल पूरे तरीके से बैन हो चुका है याद रखिएगा ये टीईएल क्या हो चुका है ये टी इएल इंडिया के अंदर बैन हो चुका है क्योंकि अब हम लेड फ्री पेट्रोल यूज करते हैं लेड से ना बहुत ही ज्यादा प्रदूषण होता है सीसा से तो लेड अब बंद हो गया पेट्रोल के अंदर लेड नहीं होना चाहिए तो हम ये टीईएल का यूज नहीं करते हैं अब जो आपका एंटी नॉकिंग एजेंट यूज किया जाता है वो है बेंजीन ठीक है बीटीएक्स का यूज करते हैं ठीक है अब किसका यूज किया जाता है अब यूज किया जाता है बीटीएक्स का तो याद रखना पहले टीईएल का यूज करते थे खड़खड़ाहट की आवाज हटाने के लिए अब बीटीएक्स का यूज किया जाता है ठीक है थैंक यू सो मच ए के सिंह अब ऐसी बात बोलोगे तो दोबारा स्माइल आई जाएगी किसी के भी चेहरे पे एनीवेज बेंजीन हेक्साक्लोराइड बेंजीन हेक्साक्लोराइड जो एक इंसेक्टीसाइड एक कीटनाशक है और कार्बन टेट्राक्लोराइड इसका यूज किया जाता है फायर एक्सटिंग में अग्निशामक में ये हमने कल भी किया था ये कार्बन टेट्राक्लोराइड आपका कई बार आ चुका है ये अब तक आपको याद हो जाना चाहिए था कि कार्बन टेट्राक्लोराइड वो आग बुझाने के लिए यूज होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड कीटनाशक पदार्थ है टेट्रा इथाइल लेड एंटी नॉकिंग एजेंट और फ्रीऑन जो है वो आपका रेफ्रिजरेटर में यूज होता है ठीक है चलिए तो आप तो जो लोग ये शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं हम सब लगभग एक ही एज ग्रुप के हैं रादर आप में से तो कई लोग ये भी क्लेम करते हैं कि आप लोग मुझसे बड़े हैं काफी लोग बड़े होंगे पर जितनी कम एज आप मेरी समझते हैं इतनी कम एज है नहीं ये बात कोई लड़की कहती नहीं है फिर भी मैं देखो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे कह रही हूँ कि जितनी कम एज आप ने ने इतनी कम एज मेरी समझते हैं नहीं ठीक है चलिए अगला देखिए फिर से आप लोगों को मैच द फॉलोइंग के लिए कह रहा है ये आपकी साठवी बीपीएससी का भी क्वेश्चन है और ये आपकी बासठवीं बीपीएससी 2016 में भी रिपीट हुआ था देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है फिर से आप लोगों को यहाँ पे वो मैच द फॉलोइंग करने को ही कह रहा है स्पार्टेम क्या है स्पार्टेम जो है वो आपका आर्टिफिशियल स्वीटनर है जिनको शुगर की बीमारी होती है देखा है वो छोटी छोटी गोलियां चाय में डाल के खाते हैं पीले रंग की आती है वो एस्पार्टेम होती है और वो जो है आपके नॉर्मल चीनी से सौ गुना ज्यादा मीठी होती है तभी तो जिस चाय के कप में आप एक चम्मच चीनी डालते हैं तब जाके वो आ, चाय मीठी होती है उसमें वो छोटी बारीक सी गोली डाल देते हैं फिर भी वो मीठी हो जाती है क्योंकि वो सिक्सटी टू हंड्रेड टाइम्स ज्यादा मीठा होता है एस्पार्टेम जो है वो क्या है वो सिक्सटी टाइम्स ज्यादा मीठा है सिक्सटी एक्स स्वीटर है वो ठीक है चलिए अनु आप तो बहुत छोटे हैं मुझसे चलिए अगला देखिए फ्रियॉन अभी अभी हमने किया था फ्रियॉन जो है वो एक रेफ्रिजरेंट है है ना उसके बाद नियोप्रीन नियोप्रीन क्या है? नियोप्रीन एक सिंथेटिक रबड़ है नियोप्रीन क्या है सिंथेटिक रबड़ है और बेनाड्रिल क्या है एंटीस्टेमिन है बेनाड्रिल सुना है आ, एलर्जी के लिए यूज होता है या फिर आपने वो भी सुना होगा एक खांसी के सिरप के एड आती थी वन दे दे खांसी से से आराम टू दे जुकाम से आराम टू जुकाम है ना ऐसे एस ऐसे करके एक बेनेड्रिल का तो वो बेनेड्रिल क्या है वो एंटी हिस्टेमिन है अगर आपको किसी भी तरीके के एलर्जिक रिएक्शन है ना तो वो रनिंग नोज जुकाम से आराम दे देगा गले में खिचखिचाहट है उससे आराम देगा तो वो बेनेड्रिल जो होता है वो एंटी हिस्टेमिन होता है एंटी हिस्टेमिन का मतलब क्या है किसके किस केस में दिया जाता है ये एलर्जिक रिएक्शन के केस में दिया जाता है ठीक है तो देख सकते हैं क्या है कृत्रिम स्वीटनर है मिठास देता है फ्रियॉन जो है रेफ्रिजरेटर में यूज होता है नियोप्रिन कृत्रिम रबड़ है और बेनेड्रिल जो है वो एंटी है अगला क्वेश्चन बताइए फिर से मैच द फॉलोइंग का ही क्वेश्चन आ गया ये आपके आई एस प्री दो हजार सत्रह का क्वेश्चन है ये कहा का ये आपके ज्यादा भी पुराना नहीं है अभी पांच साल पहले ही आपके आई एस प्री में अः आई नहीं, नहीं ए के सिंह मेरी बिटिया रानी नहीं है मेरा बहुत ही शैतान सा एक बेटा है ठीक है बाबू है बहुत प्यारा सा बहुत ही शैतान सा है दे रहा वो छोटा सा बेबी जो अपने बर्थडे पे खुद ही केक खा रहा है ठीक <laughs> है तो ये है बाबू जी जो अपने बर्थडे पे खुद ही केक खा रहे हैं और ऐसी बात नहीं है उसके बाद उसने मुझे भी खिलाया है चलिए जोक्स सा पार्ट बहुत देर से आप लोग पढ़ रहे हैं बहुत देर से मैं भी पढ़ा रही हूँ चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपसे फिर से मैच द फॉलोइंग करने के लिए ही कह रहा है तो सबसे पहले देखिए अच्छा यहाँ पे पूछ रहा है मैच द फॉलोइंग नहीं है आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन सा करेक्टली मैच है देख लेते हैं कौन कौन सा आपका करेक्टली मैच है तो यहाँ पे आप देखिएगा लिपस्टिक लिपस्टिक के अंदर लेड पाया जाता है इसीलिए लिपस्टिक लगाने के लिए मना किया जाता है लेड जो है वो बहुत ही कॉमन इम्प्योरिटीज है जो कि लिपस्टिक में आई शेडो में ब्लशेज में कॉम्पैक्ट पाउडर में शैम्पू में बॉडी लोशन में इन सभी चीजों के अंदर पाया जाता है सिर्फ लिपस्टिक ही नहीं जितने भी कॉस्मेटिक्स है ना जितने भी कॉस्मेटिक्स हैं जितने भी कॉस्मेटिक है इसके अंदर आपका फेस पाउडर आ गया इसमें आपका बॉडी लोशन आ गया इसमें आपका पाउडर आ गया वो सारी चीजों के अंदर आपका क्या है ये लेड मौजूद होता है जो कि आपके लिए बहुत 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 ही ज्यादा नुकसानदेह है जो कि क्या है आपके लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह है उसके बाद देखिए सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल ऑयल मौजूद होता है ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल ऑयल का मतलब क्या जिसमें ब्रोमीन मिलाया हुआ हो तो ये बेसिक basic, बेसिकली uh, ये मिलाया जाता है किसके लिए इसको मिलाया जाता है इमल्सी फायर के रूप में ये किसका काम करता है ये इमल्सी फायर का, का काम करता है ठीक है चाइनीज फास्ट फूड के अंदर मोनोसोडियम ग्लूटामेट मौजूद होता है ये भी सही है तो आपका वन टू थ्री तीनों ही सही है तीनों ही करेक्टली मैच किए हुए हैं ठीक है तीनों ही करेक्टली मैच है अगला देखिए मैच करने के लिए बोल रहा है देखिए इसको एक बार आप लोग मैच करके देखिए फिर मैं बताऊंगी कई सारे हम लोग मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस कर चुके हैं तो पोटेशियम ब्रोमाइड का यूज किया जाता है फोटोग्राफी के अंदर पोटेशियम नाइट्रेट को आप यूज करते हो किसके अंदर मैंने बताया था केनो थ्री वुड चारकोल एंड सल्फर इसका यूज किया जाता है क्या बनाने के लिए गन पाउडर बनाने के लिए बारूद बनाने के लिए है ना पोटेशियम ब्रोमाइड या फिर सिल्वर ब्रोमाइड एजीबीआर का यूज किया जाता है फोटोग्राफी के अंदर पोटेशियम सल्फेट का आप यूज करते हैं उर्वरक के रूप में फर्टिलाइजर के लिए और मोनो पोटेशियम टार्ट्रेट का यूज किया जाता है किसके अंदर बेकरी के अंदर टार्ट्रेट तो वैसे भी आपको समझ में आना चाहिए बेकरी के अंदर ही यूज होगा कार्बन डाइऑक्साइड पोरस करने के लिए किसी भी चीज को यूज होता है ठीक है शालिनी झा मुझे देखिए मुझसे क्यों आप लोग टाइम टेबल पूछते हैं मुझे टाइम टेबल का को कोई अंदाजा नहीं होता है ठीक है मुझे टाइम टेबल का को कोई अंदाजा नहीं है मुझे अपनी क्लास का पता है कि मेरी क्लास कब कब होती है ठीक है चलिए तो ये वही क्वेश्चन आप लोगों का हिंदी में है अगला प्रश्न देखिएगा फिर से आप लोगों से कह रहा है कि कौन सा पेयर करेक्टली मैच है ये यूपीपीसीएस 2015 का क्वेश्चन है देखिएगा यहाँ पे आपसे फिर से आपको करेक्ट मैच करने के लिए कह रहा है तो यहाँ पे सबसे पहला क्या है आपका सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड आपका एसिड रेन में होता है ठीक है सल्फर डाइऑक्साइड आपका एसिड रेन में है तो तो पहला वाला तो आपका करेक्टली मैच नहीं है फ्लोराइड पॉपुलेशन पॉल्यूशन सॉरी फ्लोराइड से आपके दांत अगर आपके किसी भी पानी के अंदर अगर आप एक ऐसा पानी यूज कर रहे हैं जिसके अंदर फ्लोराइड ज्यादा है जो कि आमतौर पे देखा गया है फिल्टर्स के पानी में ज्यादा होता है या फिर अगर आपके टूथपेस्ट के अंदर फ्लोराइड है तो आपके दांत को साफ करने के साथ साथ आपके दांत को खराब भी कर सकता है तो आपको अपने टूथपेस्ट को देखना है कि उसके अंदर कहीं फ्लोराइड तो नहीं है मिथाइल आइसोसाइनेट ये तो आपके भोपाल गैस ट्रेजिडी में ही थी ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये भी आपका करेक्टली मैच नहीं है ओजोन डिप्लीशन से आपको कैंसर हो सकता है क्योंकि फिर यूवी रेडिएशन आप तक डायरेक्टली पहुंचेंगी। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है यही आपका करेक्टली मैच है ठीक है तो देखिए आपने क्या पढ़ा सबसे पहले आपने पढ़ा एसिड रेन अम्लीय वर्षा किसकी वजह से होती है तो याद रखिएगा सल्फर डाइऑक्साइड एसो टू और एनो टू की वजह से होती है देखो होता है क्या है इसके अंदर एसिड रेन के अंदर देखिए ये बादल है।, है ना अच्छे खासे बादल बने हुए हैं यहाँ से हो सकता है बारिश भी होती यहाँ से बहुत सुंदर से बारिश होती है जितना भी पानी है ये आपके ऊपर छमछम पड़ता आप खुश होते है ना लेकिन अब क्या है अब ये पानी आपके ऊपर नहीं आता है क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में ना बहुत सारा पॉल्यूशन है प्रदूषण है और यहाँ प्रदूषण के रूप में क्या है प्रदूषण के रूप में यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है सल्फर डाइऑक्साइड गैस है एनओ टू गैस है तो होता क्या है ऊपर आसमान से आने वाला पानी जब इसी एस टू के साथ रिएक्ट करता है तो ये पानी जो है कन्वर्ट हो जाता है किसमें एसिड के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं एच टू एसओ फोर यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड तो जहां बादलों से ये पानी निकला था और आपके ऊपर पानी गिरना चाहिए था तो वो पानी ना गिर के आपके ऊपर क्या गिर रहा है ये पूरा सल्फ्यूरिक एसिड गिर रहा है ना वही पानी आपका जब इसके साथ रिएक्ट करता है वही पानी जब आपका एनओ टू के साथ रिएक्ट करता है तो वो बना लेता है क्या HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड तो आपके ऊपर सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड ही नहीं आपके ऊपर नाइट्रिक एसिड भी गिर रहा है है ना और साथ ही साथ आप देखेंगे यही वाटर जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो वो बना लेता है कार्बोनिक एसिड वो वीक एसिड है तो उससे हमें इतना हार्म नहीं होता उससे इतनी हानि नहीं होती है जितनी हानि हमें सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड से होती है तो अगर पूछा जाएगा कि एसिड रेन के लिए कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है तो आप बता देंगे एसओ टू एनओ टू और अगर एसिड पूछा जाएगा तो आप बता देंगे सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड ठीक है क्या ये टीजीटी के लिए आएगा हाँ ओमपाल जी आएगा अगला बताइए अगला एजर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है आप लोगों को ओ oh, मैम राइट वाला ढूंढ रहा हूँ मिस आई एम राइट क्या बोल रहे हो पता नहीं ठीक है एनी वेज देखिएगा यहाँ पे आप लोगों से दो कथन दिए हुए एक अभी कथन दिया है एक कारण दिया और आपसे पूछेगा भी वो कि कौन सा सही है कौन सा गलत है देखिए अभी कथन क्या कह रहा है फिनाइल का उपयोग घरेलू कीटनाशक के रूप में किया जाता है हाँ जी करते हैं मम्मी पानी में डाल के फिनाइल का पोछा लगाती हैं है ना फिर कह रहा है फिनाइल फिलोन फिनाइल फिनोल व्युत्पन्न है यानी कि डेरिवेटिव है और फिनोल का फिनोल एक प्रभावी कीट कीटाणुनाशक है और फिनोल जो है वो एक इफेक्टिव जर्मिसाइड है बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और आपका ए इज द करेक्ट आंसर कि अभिकथन और कारण दोनों ही चीजें सही है और कारण ही अभिकरण अभिकथन का बिल्कुल सही स्पष्टीकरण भी है ठीक है ए आर इज द करेक्ट राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट ए अगला देखिएगा फिर से मैच करने को ही आ गया फिर से मैच आ गया मैच दोबारा तो से हम लोग मैच करेंगे आपके बार आप लोगों से साइंटिस्ट के नाम पूछे हुए हैं आपके बार आप लोगों से साइंटिस्ट के नाम पूछे हुए देखिए तो एल्फ्रेड नोबेल ने खोज की थी किसकी डायनामाइड की अगर पूछा जाए डायनामाइड किसका बना हुआ होता है तो डायनामाइड क्या है नाइट्रोग्लिसरीन का बना है ठीक है फिर अः कार्ट्राइट ने किसकी खोज की थी कार्ट्राइट ने आ, पावर लूम की खोज की थी ग्रामबेल ने टेलीफोन की, की थी और रदरफोर्ड बस एटॉमिक बॉम्ब में बचा क्योंकि रदरफोर्ड ने एटम बताया था हालांकि एटम बॉम्ब की खोज ओपन हैमर ने की थी ठीक है एटम बॉम्ब की खोज किसने की थी एटम बॉम्ब की खोज ओपन हैमर ने की थी यहां रदरफोर्ड क्यों दिया यही जाने आजकल यही क्वेश्चन भी आ रहा है हम्म hmm. ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन बताइए वो आप लोग देख लीजिएगा सही आंसर कौन सा है ठीक है करेक्ट आंसर आप लोग ढूंढ लीजिएगा एनीवेज अगला बताइए क्वेश्चन नंबर का करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर का करेक्ट आंसर बताएंगे क्या है कौन सा डे कब मनाया जाता है यहां से आपसे डे से क्वेश्चन पूछा और ये देखो ऐसा नहीं है कि रैंडमली मैम ऐसे क्वेश्चन तो आते नहीं आप भी क्या पूछ रहे हो तो यूपीपीसीएस मेंस में क्वेश्चन पूछा शिक्षक आप भर्ती आपका पिछली बार आपने देखा था किस लेवल का आया था तो वो किसी भी लेवल का क्वेश्चन उठा सकता है इसीलिए आप लोग भी जानते हैं मैं एस सी आर टी टी से लेकर आपको रोज बता रही हूँ कि हम बी पी एस सी बिहार पी सी एस झारखंड पी सी एस यूपी पी सी एस और आई एस चार और जगहों से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमारा कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटना ही नहीं चाहिए तो हम चार चीजों की प्रैक्टिस कर रहे हैं एस सी आर टी आईएएस तक के क्वेश्चन कर रहे हैं बीपीएससी के तो कर ही रहे हैं और फिर मैंने पड़ोसी राज्यों से भी क्वेश्चन चोरी कर लिए तो आपके झारखंड पीसीएस और यूपी यूपी पीसीएस पीसीएस के भी हम करते हैं फिलहाल ये UPPCS का क्वेश्चन है ठीक है तो क्वेश्चन नंबर नाइनटी का बताइए जल्दी से किस दिन क्या सेलिब्रेट किया जाता है तो आपका ग्यारह मई को क्योंकि उसी दिन आपका पोखरण टेस्ट हुआ था इसी दिन कौन से ईयर में हुआ था 1998 में इसी दिन आपका पोखरण टेस्ट हुआ था याद है इसीलिए इसको टेक्नोलॉजी डे के नाम से मनाया जाता है उसके बाद आपका फोटोग्राफी जो है वो 19 अगस्त को मनाया जाता है नेशनल स्पोर्ट्स डे आपका मेजर ध्यानचंद की जयंती होती है उस दिन ठीक है उन्तीस अगस्त को इनके नाम पे अवार्ड भी दिया जाता है इनके नाम पे अवार्ड भी दिया जाता है तो जो आपके मेजर ध्यानचंद जी है ना उनकी जयंती होती है इस दिन इसलिए नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है ध्यानचंद जो है वो किस कैटेगरी के लिए अवार्ड दिया जाता है ये आपका जीके का भी क्वेश्चन है ये आपके जीके का क्वेश्चन है वेरी गुड 9 अगस्त को नागासाकी जापान एटम हुआ था इसीलिए आपका नागासाकी डे जो है वो 9 अगस्त को किया जाता है जापान में जो एटम बॉम्ब वाला केस नागासाकी वाला हिरोशिमा नागासाकी केस ठीक है तो इसमें से आप देख लीजिएगा कौन सा करेक्टली मैच कर रहा है ये करेक्ट आंसर आपका यही है क्लियर है मैम हिंदी में करवाई अरे बाबा इसमें हिंदी में क्या है जो क्वेश्चन हिंदी वाले होते हैं मैं खुद ही बता देती हूँ अब इसमें क्या बताती मैं इसमें हिंदी में यही होता है कि बताइए प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है तो प्रौद्योगिकी दिवस जो है वो आपका 19 अगस्त को मनाया जाता है ठीक है छाया चित्रकला ये कब मनाया जाता है छाया चित्रकला दिवस कब मनाया जाता है तो छाया चित्रकला दिवस आपका उन्नीस अगस्त को मनाया जाता है नेशनल स्पोर्ट्स डे इनमें हिंदी क्या ढूंढते हैं आप हाँ सोनू कुमार जी चलिए लो हिंदी में बताइए अगला for which branch of science un has designated the year 2011 संयुक्त राष्ट्र ने विज्ञान के किस शाखा के लिए वर्ष 2011 को नामित किया था मैम जनरल साइंस से कितना नंबर का होगा पेपर का नहीं पता 80 नंबर के क्वेश्चन आएंगे जो आपका पेपर टू है उसमें 80 नंबर का क्वेश्चन साइंस से आएगा और 40 नंबर का क्वेश्चन जो है वो आपका आ, उसमें से आएगा अदर जी सब्जेक्ट में से तो देखिए ये स्पेशली ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया है इस तरीके के क्वेश्चन आने के चांसेस कम होते हैं बट यहाँ पे ये क्वेश्चन इसलिए पूछा है क्योंकि आपके उत्तराखंड पी सी में पूछा गया था तो इस तरीके के भी क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है बस मैं आपको ये बता रही थी बाकी इसका करेक्ट आंसर है इंटरनेशनल ईयर ऑफ केमिस्ट्री इसका करेक्ट आंसर क्या इसका है इसका करेक्ट आंसर है इंटरनेशनल ईयर ऑफ केमिस्ट्री तो आप ये भी देख लीजिएगा कि अब 2023 के लिए 2023 में क्या क्या हुआ है ठीक है सॉरी 2022 में 22 और 23 अगला क्वेश्चन देखिए द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंजेस डील्स विद बताइए ये संस्थान किससे काम किसके ऊपर ये आपकी साठ और बासठवी बीपीएससी का क्वेश्चन है 2016-60 और बासठवी बीपीएससी का क्वेश्चन है तो ये जो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट है ये बेसिकली डील करती है किससे ग्रीन हाउस गैसेस के एमिग्रेशन एमिशन से किससे डील करती है यहाँ पे कहीं दिया है ये रहा ग्रीन हाउस एमिशन मिटिगेशन ठीक है तो 22 अप्रैल 2016 में इक्वेशन इसलिए पूछा गया है ना आपके बीपीएससी में इक्वेशन इसलिए पूछा गया क्योंकि 22 अप्रैल 2016 में एक मीटिंग हुई थी बाईस अप्रैल 2016 के अंदर क्या हुआ था एक मीटिंग हुई थी जिसमें लगभग एक कंट्रीज कितनी कंट्रीज लगभग एक कंट्रीज एकत्रित होती आपके क्लास से एन एफ है मैम बीपीएससी टीआरई के लिए हाँ साइंस कॉन्सेप्ट कर सकते हो ठीक है जिसका बॉटनी है और अगर वो नाइन टेंथ में पढ़ाना चाहता है दीप्ति तो उसे भी साइंस ही पढ़नी होगी नाइन टेंथ में बॉटनी नहीं है पूरी की पूरी साइंस होती है ठीक है तो यहाँ पे क्या है यहाँ पे पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट साइन हुआ था क्या साइन हुआ था यहाँ पे पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट इन पूरी इन सौ 175 कंट्रीज ने पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट साइन किया था जिसके अंदर ये बताया गया था कि कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन जो है वो कम करना होगा क्योंकि क्या हो रहा है आपके टू परसेंट से भी ज्यादा इसी इंडस्ट्रियल एरिया से लेके अब तक में अगर देखा जाए प्री इंडस्ट्रियल एरिया और अब दो परसेंट एवरेज टेम्परेचर जो है वो क्या हो चुका है वो बढ़ चुका है ग्लोबल वार्मिंग का स्तर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है सॉरी पैंसठ नहीं है पिछहत्तर है पैंसठ नहीं है पिछहत्तर है ठीक है चलिए अगला बताइए कंसिडर द फॉलोइंग इंटरनेशनल सब्जेक्ट एग्रीमेंट सेटअप

यूपीएससी uh, की तरह पूरा साइंस एंड टेक का करंट अफेयर घुसा के वहाँ एआई टेक्नोलॉजी जीपीटी इन सबसे क्वेश्चन पूछे थे तो जब वहां पे वो इस तरीके की बात कर सकती है तो शिक्षक भर्ती जो है में भी बीपीएससी ही कंडक्ट करवा रही है तो बीपीएससी uh, यहाँ पे भी इस तरीके के क्वेश्चन की बात कर सकती है ठीक है तो आप लोगों को इसका भी पूरा पूरा ध्यान देना और क्वेश्चन नंबर नाइन्टी का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिर आ... अलमा आटमा सही है और ये गलत है ये सही है ये गलत है तो वन इन थ्री इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ठीक है जो आपका अलमा आटा डिक्लेरेशन है वो पहला इंटरनेशनल डिक्लेरेशन था जिसमें हेल्थ केयर के बारे में बात की गई थी 1978 में ये डिक्लेरेशन आपका 1978 के अंदर आया था ठीक है <laughs> ह्यूज कन्वेक्शन जो है वहां पे चाइल्ड एबडक्शन के बारे में बात की थी ठीक है ये जो हॉग है ना यहाँ पे आपके चाइल्ड एबडक्शन के बारे में बात की थी ये गलत दिया हुआ है फिर उसके बाद आ, थर्ड आपका बिल्कुल सही दिया हुआ है और आ, फोर्थ में फिर आपका अंडर टू क्वालिशन है ये भी गलत है क्योंकि यहाँ पे तो एक ग्लोबल कम्युनिटी बनाई गई थी किसकी स्टेट और रिलीजन रीजनल गवर्नमेंट की ठीक है ताकि पेरिस एग्रीमेंट के ऊपर काम किया जा सके तो ये बेसिकली आपका चाइल्ड राइट right के लिए नहीं था ये वाला आपका चाइल्ड राइट right के लिए है इसको एबडक्शन की जगह चाइल्ड राइट कर लो आपको पढ़ने में आसानी होगी तो ये आपका चाइल्ड राइट right से रिलेटेड था और ये आपका कह सकते हो ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है या ग्रीन हाउस गैस से रिलेटेड है ऐसा भी कह सकते हो या पेरिस एग्रीमेंट से रिलेटेड है ये कह सकते हो ठीक है देखिए साइंस ही पढ़नी है और अभी तक कोई सिलेबस भी रिलीज नहीं है ओमपाल पूछ रहे हैं कई लोग पूछ रहे हैं ओमपाल कह रहे हैं मैम बुक बता दो बुक तो सिर्फ और सिर्फ आपको एस और एनसीईआरटी ही फॉलो करनी है या फिर प्रीवियस ईयर करना है मैं कोई भी बुक फॉलो नहीं करती मेरे को जो भी पढ़ना होता है मैं बार बार सिर्फ और सिर्फ एस और एनसीआर ही पढ़ती हूँ कई बार पढ़ने से ये होता है कि पिछली बार हो सकता है पिछली रीडिंग में मेरा कोई पॉइंट मिस हो गया हो तो इस बार वो मेरे ध्यान में आ जाता है मेरे पकड़ में आ जाता है मैंने अभी तक जब भी पढ़ा है सिर्फ और सिर्फ एस और एन से ही पढ़ा है बाकी कोई भी बुक उठा लो किसी काम की नहीं है पी करने हो तो घटना चक्र खरीद सकते हो ठीक है ठीक है क्यूज करने हो तो PYQs आप लोग से कर सकते हैं ये सारे क्वेश्चन घटना चक्र में दिए हुए हैं है। तो प्रैक्टिस करने के लिए घटना चक्र है और आपका आ, हाँ ये हिंदी में वही क्वेश्चन हिंदी में है ये बस ठीक है तो प्रैक्टिस करने के लिए घटना चक्र है थ्योरी पढ़ने के लिए एस और एन है ठीक है तो टी से पढ़ोगे तो सिर्फ आप लोगों को उतनी ही नॉलेज फोकस रहेगी जितनी आपकी जरूरी है आलतू फालतू की कोई नॉलेज नहीं दी हुई है ठीक है चलिए आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक गैशियस पॉल्यूटेंट ऑफ द एयर निम्नलिखित में से कौन सा वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है, है? बताइए कौन सा अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है, है? फॉसजीन, हाइड्रोजन साइनाइड हाइड्रोजन सल्फाइड या फिर मीथेन भाई यहाँ तो दो दो करेक्ट आंसर है बी भी सही आंसर है और सी भी सही आंसर है क्योंकि दोनों ही पॉल्यूटेंट हैं दोनों ही गैशियस हैं और दोनों ही आपके इनऑर्गेनिक भी है तो ये क्वेश्चन इनवैलिड हो गया ये इनवैलिड क्वेश्चन है क्योंकि इसमें बी और सी दोनों ही करेक्ट आंसर है ठीक है अगला बताइए द चीफ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड पॉल्यूटेंट ये जो मैं अभी बता रही थी आप लोगों का इनऑर्गेनिक अकार्बोनिक प्रदूषक जो है ये बताइए कहाँ से आता है इसका स्रोत क्या है इसका मेन सोर्स क्या है बताइए क्वेश्चन नंबर नाइनटी सिक्स हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ना ये कलरलेस गैस होती है जिसमें से ना अलग से ही पता लगती है इसमें कैसी बदबू बताऊं रोटन होता है ना सड़े हुए अंडे जैसी बदबू आती है इसमें से ठीक है तो ये जो अगर आप बात करोगे ना हाइड्रोजन सल्फाइड की तो ये होती तो रंगहीन है कलरलेस है लेकिन ओर्डरलेस नहीं है इसमें सड़े हुए अंडे जैसी बदबू आती है प्रॉपर इसकी गंदी सी बदबू होती है ठीक है ये डिकेइंग वेजिटेशन में भी बहुत बनता है अगर कहीं पे भी आपका कोई भी आ, कोई भी जानवर या कोई भी अगर पेड़ पौधा सड़ रहा है ना तो आपने देखा है सड़ी हुई चीजों की जो भी बदबू आती है ना कहीं पे कूड़ा इकट्ठा हो रखा हो या बरसात में कहीं पे कूड़ा जब गीला हो जाता है या कहीं पे कोई जानवर सड़ रहा हो तो सड़ी हुई चीजों में से जो बदबू आती है ना बेसिकली जब भी कोई चीज सड़ रही होती है ना तो सड़ी हुई चीजों में से जो बदबू आती है वो हमेशा हाइड्रोजन सल्फाइड की होती है जो कि एक प्रदूषक का काम करता है ठीक है तो वेजिटेबल एंड मैटर में से इसकी बदबू आती है ठीक है लेवल क्योंकि उन्होंने यूपीएससी लेवल रखा था अभी तक आ, अगर सेंट्रल लेवल में देखें ना तो बीपीएससी जो है वो सेंट्रल एसएससी लेवल का पूछता था पर अब की बार उन्होंने बीपीएससी का लेवल यूपीएससी का कर दिया था चलिए अगला बताइए रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रस ऑक्साइड अच्छा ग्लोबल वार्मिंग में आपको बताना है कि सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन यानी कि सबसे ज्यादा ग्लोबल आ, ये किसकी वजह से हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग बतानी है सबसे पहले वो बताना है जिससे सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग होती है फिर उससे कम फिर उससे कम फिर उससे कम मैम भी इस इस सब क्वेश्चन प्लस टू खराब रही है अब क्या करवाएंगे मैम संध्या आपकी बात ही नहीं समझ में आई मैम भी सब क्वेश्चंस प्लस टू करवा रही हैं अब क्या करवाएं मैम संध्या क्या कहना चाह रहे हो <laughs> बहुत दिमाग मारा मैंने पर तुम्हारी बात मुझे नहीं समझ आई एक बार दोबारा बोलिए क्या पता आपकी बार समझ में आ हाँ जाए ठीक है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर नाइनटी सेवन का तो सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड फिर मीथेन फिर नाइट्रस ऑक्साइड फिर क्लोरो फ्लोरो और कार्बन डाइऑक्साइड से भी पहले देखोगे तो वाटर वेपर जल वाष्प ठीक है इससे भी पहले देखेंगे ठीक है अगला बताइए हार्नेसिंग ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी ऑफन कॉजेस बताइए अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा शालिनी थ्योरी यहाँ नहीं हो पाएगी यहाँ टाइम की थोड़ी सी कमी होती है तो यहाँ पे हमारे लिए थ्योरी करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है तो थ्योरी आप देखेंगे थ्योरी यहाँ पे करवानी थोड़ी सी मुश्किल है थ्योरी पेड़ बैचेस में चल रही है आप चाहें तो वहां पे ज्वाइन कर सकते हो ठीक है क्या हो जाएगा इसका थर्मल पॉल्यूशन आप सभी लोग जानते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी की वजह से कौन सा पॉल्यूशन होता है न्यूक्लियर एनर्जी की वजह से थर्मल पॉल्यूशन होता है इससे ना मेरे को अभी बात याद आ गई अभी कल परसों ही मैं एक न्यूज देख रही थी उसमें क्या हुआ देखो हमारा बेचारा जो ये आ, भाई है पाकिस्तान ये लोग इतने गधेड़े हैं कि इन्होंने क्या किया इन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट किया मिसाइल टेस्ट किया और इन्होंने इन्होंने जो अपना मिसाइल टेस्ट किया ना उनकी वो मिसाइल जाके जो क्रैश भी हुई वो कहा हुई जहाँ उनका अपना खुद का न्यूक्लियर पावर प्लांट है बहुत बड़ा हादसा होते होते रह गया पाकिस्तान में वरना पाकिस्तान का तो वो था कि उन्होंने उड़ता हुआ तीर खुद ही ले लेना था तो अः उन्होंने मिसाइल टेस्टिंग की और वो मिसाइल टेस्टिंग में भी उनके जो मिसाइल है वो उनके अपने खुद के न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास ही जाके गिरी वो तो हादसा होते, होते होते रह गया वरना पाकिस्तान ने तो परसों ही खत्म हो जाना था और अपनी खुद की बेवकूफी से ही खत्म हो जाना था ठीक है चलिए आगे देखिए न्यूज में देखिएगा आपको मिल जाएगा ये ग्रीन टाइप ऑफ़ कौन से पॉल्यूशन के लिए ग्रीन मफलर का इस्तेमाल किया जाता है अभी छह साल पहले ही यूपी पीसीएस ने पूछा था ये क्वेश्चन बताइए ग्रीन मफलर ग्रीन मफलर होता है क्या है कोई बताएगा ग्रीन मफलर क्या होता है यहाँ दिल्ली में भी अब बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है ग्रीन मफलर का मैं जिस एरिया में रहती हूँ वहां पे भी ग्रीन मफलर का बहुत यूज कर रहे हैं ग्रीन मफलर होता है रोड के साइड में ना चार पांच रोज लगाई जाती है किसके बहुत बड़े बड़े पेड़ों की बहुत बड़े बड़े छायादार पेड़ों का इस्तेमाल किया जाता है मतलब छोटे मोटे नहीं बड़े बड़े आप देखना रोड के दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ लगाए जाते हैं तो ये जो बड़े बड़े पेड़ लगाए जाते हैं इन्हीं को ग्रीन मफलर कहा जाता है और ये ना आपके नॉइज पोल्यूशन के लिए होता है ध्यान रखना ये किसके लिए है ये नॉइज पोल्यूशन के लिए है ये नॉइज पोल्यूशन बचाता है ध्वनि प्रदूषण ठीक है अगला बताइए मैग्नेटिक पार्टिकल्स सस्पेक्टेड टू कॉज न्यूरो डिजेनेरेटिव प्रॉब्लम्स मैग्नेटिक पार्टिकल्स जो है वो आपके न्यूरो प्रॉब्लम्स कर देती है यानी कि आपके जो न्यूरॉन्स है ना उनको डैमेज कर देती हैं आर जनरेटेड एज एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स इन मैग्नेटिक पार्टिकल्स को एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स भी बोला गया है अब ये बताइए ये मैग्नेटिक पार्टिकल्स कहाँ से उत्सर्जित होते हैं ये आपके ऑप्शन हैं मोटर व्हीकल के ब्रेक्स में से मोटर व्हीकल के इंजन में से माइक्रोवेव स्टोव में से पावर प्लांट में से या टेलीफोन लाइन में से बताइए ये मैग्नेटिक पार्टिकल्स कहाँ से बनते हैं कितने क्वेश्चंस हैं डेली हम लोग 40 क्वेश्चंस के अराउंड करने की कोशिश करते हैं डेली जो क्वेश्चंस करते हैं हम लोग वो लगभग 40 के आसपास के क्वेश्चंस होते हैं ये आपके 2000 ये ज्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है ये बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि अभी तक पॉल्यूशन के लिए मैग्नेटिक पार्टिकल्स के बारे में किसी ने बात नहीं की थी जब तक यूपीएससी ने 2021 में इसका क्वेश्चन नहीं उठाया का ही क्वेश्चन है ही क्वेश्चन है ये तो देखिएगा दो साल पहले का क्वेश्चन है? है, तो है ये कि मैग्नेटिक uh, पार्टिकल्स जिससे आपका पॉल्यूशन होता है जो की न्यूरोनरेटिव आपके न्यूरॉन्स यानी कि तंत्रिका कोशिकाओं को डिजेनरेट कर देते हैं वो कहा से उत्सर्जित होते हैं तो आप देखेंगे वो इन पांचों जगहों से उत्सर्जित होते हैं इसमें ऑल ऑफ अब है कहीं ये ऑप्शन नंबर डी पांचों जगहों से बनते हैं वो ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन बताइए ये आपका 2020 बीपीएससी का क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगभग हो चुके हैं अब तो जो मैं क्वेश्चंस आज की पूरी क्लास में तो आईएएस और बीपीएससी के ही क्वेश्चन थे ठीक है आपके ये सब चीजें ये सारे क्वेश्चंस आपके कहाँ थे ये सारे आपके आज के एनसीईआरटी के तो मैंने कल के और पुरानी क्लासेस में करा दिया लगातार हम पिछले दो तीन क्लासेस से यही कर रहे हैं इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स आज के थोड़े से सारे हाई लेवल क्वेश्चन है क्योंकि आज के क्वेश्चन आपके रिसेंट यूपीएससी और बीपीएससी के ही क्वेश्चन है ठीक है तो आपसे पूछ रहा है कि बताओ इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ डीजल में से क्या निकलता है अगर आपका डीजल पूरे तरीके से बर्न नहीं हुआ है तो उसमें से क्या निकलेगा तो उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है जो कि बहुत ही ज्यादा पॉइजनस गैस है जो कि क्या है बहुत ही ज्यादा जहरीली विशैली गैस होती है ठीक है अगला बताइए द मेन एयर पॉल्यूटेंट इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज आर महानगरों के अंदर मुख्य वायु प्रदूषक क्या है ओथ्री मतलब ओजोन कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड सी ओ टू एंड एन टू जिसकी वजह से आपका वो भी होता है अम्लीय वर्षा भी होती है या नन ऑफ अबव बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या बताएंगे रीड कर लिया तो क्या है देखो उसमें ना ऑक्साइड ही निकलते हैं ओजोन कार्बन मोनोऑक्साइड भी है सल्फर डाइऑक्साइड भी है नाइट्रस ऑक्साइड भी है ऑल ऑफ अब तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है अगर यहाँ पे ऑल ऑफ अबर दिया होता ना तो भी आप आंसर लगा देते पर यहाँ पे तो दिया ही नहीं है कुछ भी तो इसमें कोई भी करेक्ट आंसर है ही नहीं इसमें कोई भी एक करेक्ट आंसर नहीं है क्योंकि लेड के हो गए जिंक के हो गए, ये सारे ऑक्साइड आपके रिलीज होते हैं पोल्यूशन में ठीक है मैम एनसीईआरटी सॉल्यूशन करा दीजिए नाइन टेंथ इलेवेंथ ट्वेल्थ का एनसीईआरटी सॉल्यूशन करवा दीजिए टेक्स्ट बुक का कह रहे हो बुक के पीछे जो क्वेश्चन होते हैं वो कैसे होंगे पार्टिकुलेट मैटर क्या होता है इसके बारे में भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है आपकी साठ बासठ बीपीएससी में भी पूछा गया आपकी बीपीएससी और बासठवी बीपीएससी के क्वेश्चन बहुत सारे सेम थे बहुत सारे सेम थे परसेंट जो है वो सेम ही सेम था आप जब भी देखोगे क्वेश्चन में जब भी करा रही हूँ साठ और बासठवी वो दोनों का लिखा जा रहा है ठीक है जल्दी से बताइए पार्टिकुलेट मैटर क्या होता है पीएम बोलते हैं या फिर इसे पार्टिकल पोल्यूशन भी बोलते हैं जब पार्टिकुलेट मैटर का होता है जब बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स आ जब बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल जो है वो किसके साथ मिक्स हो जाते हैं जब बहुत ही छोटे पार्टिकल्स आपके लिक्विड ड्रॉपलेट्स के साथ जब बहुत ही छोटे पार्टिकल्स किसके साथ मिक्स हो जाते हैं आपके बारिश के लिक्विड ड्रॉपलेट्स के साथ मिक्स हो जाते हैं तो उसी को क्या कहा जाता है पार्टिकुलेट मैटर कहा जाता है जो कि किसके लिए है आपके एयर पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है आज के क्वेश्चन का लेवल देख के कह रहे हैं आज ज्यादा हो रहा है श्वेता थक गई श्वेता थक गई चलो आज का ये आखिरी क्वेश्चन है वन जीरो फोर में बता दो पार्टिकुलेट मैटर्स का साइज कितना होना चाहिए बस इतना बता दीजिए इसका साइज कितना होना चाहिए पार्टिकुलेट मैटर का साइज़ कितना होता है ये साइजी सत्रह का क्वेश्चन है आ, लेस देन माइक्रोन लेस देन माइक्रोन होना चाहिए ठीक है तो ये आज का आपका आखिरी क्वेश्चन था ठीक है दो तीन क्वेश्चन ही रह गए हैं कोई बात नहीं कल से हम नया टॉपिक शुरू कर देंगे ठीक है कल से हम लोग नया टॉपिक शुरू कर देंगे चलिए <laughs>

बहुत लोग सपाटा ले लेते हैं यहाँ से <laughs> है ना जो साइंस के मैथ मैथ जिसके का लगाव जिसका ठीक है वो रहते हैं बाकी जब अभी प्रधानमंत्री मोदी जी बड़ा किए हैं कल जो समिट हुए एशियन गेम से जीतने आए हैं कि बोला कि भाई एशियन गेम में पहला मेडल दिलाने वाली महिला थी और सबसे ज्यादा मेडल 107 में आधा से ज्यादा मेडल महिलाएं लाई और यहाँ पर आप बोल रहे लोग भाग जाती है सही बताती होगी मैडम शायद ये अपना अनुभव ज्यादा दिन से ये पढ़ा रही है आप लोगों को तो अपना अनुभव बता रही हूँ तो करती थी जब मैं स्टूडेंट थी बना बात ये आज भागोगे कल भागोगे पेपर से पहले तो पढ़ना ही है एक चीज हम सोचे कि ऐसा क्यों होता है तो हम फिर सोचे ये फिजिक्स ही है जिसमें प्रेशर भी है टेंशन भी है स्ट्रेस भी है है ना यंग मॉड्यूलस भी है तब तो इम्पैक्ट तो अब पढ़ना ही है ना ठीक हूँ मैं साइंस कॉन्सेप्ट क्लासेस जी ठीक हूँ पीडीएफ मैम पीडीएफ मांग रहे दे दीजिएगा एंड वीरू मल्टी टैलेंटेड है मैन कौन वीरू मल्टी टैलेंटेड है बहुत बढ़िया शालिन मिस बाय 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 बोल दिया आपको बच्चा चलिए निकलिए अब यहाँ से आप <laughs> मैम फिजिक्स आप ही पढ़ाइए आप ही को पढ़ाने बोल रहे हैं कुछ लोग भैया बुला देते हैं आप ही पढ़ा दीजिए है हम बोलते बोलते कुछ मिस गलती कुछ और चलो कोई बात नहीं बात नहीं थोड़ा सा इस गरीब से भी पढ़ लीजिए है ना <laughs> चलो बढ़िया है ठीक है हाँ चलो चालू करें चालू करने से पहले जो है पहले तो यहाँ पे लाना पड़ेगा आप लोगों का क्या क्या लाना पड़ेगा भाई ये हटाना पड़ेगा ठीक है थोड़ा एक मिनट वेट कर लीजिएगा सभी लोग कल हम लोग क्या किए थे आप लोगों को याद होगा ना आज उसका आज उसी का पार्ट टू करेंगे पार्ट टू करना होगा हमें आप तो टॉपिक वाइज थ्योरी भी कराओ ठीक है कराएंगे टॉपिक वाइज थ्योरी पहले कुछ कुछ जो है ना ये करवा लेते हैं थ्योरी भी कराएंगे ये भी कराएंगे कुछ एक दो रोज़ क्लास के लिए चलते हैं फिर थ्योरी जो है अच्छी बैच में पढ़ाने का जो है अनुमति है कि अच्छी बैच में थ्योरी के साथ पॉइंट बाई पॉइंट चलते हैं बैच में ठीक है ना यहाँ पर दोनों थोड़ा बहुत थ्योरी करा सकते हैं ज़्यादातर एम सी क्यू से ही समझाते हुए करना पड़ेगा यही सही चल रहा है सारे बैचेज तो मैं मुझे मैं अलग कैसे कर सकता हूँ कुछ सो बताइए हाँ लेकिन आप लोगों का ख्याल रखते हुए मैं कॉन्सेप्ट वाली पार्ट फिर ले आऊँगा ठीक है चलिए तो यहाँ पर जो है कहाँ है आ जाओ भाई चलिए पहले सवाल की ओर चलते हैं तो पहले बात है आई बैच में जो इनरोल नहीं हुए डिस्काउंट वाला आज लास्ट डेट है पहले तो बता दूँ डिस्काउंट वाला जो है ना आई बैच में अगर आप अभी तक इनरोल नहीं हुए हैं तो इनरोल हो जाइए वहाँ थ्रू आउट अच्छे से पढ़ाई हो जाएगी एक बार एक बार का टाइम इन्वेस्टमेंट है एक बार का समय साथ में बैठना पड़ेगा लगातार डिसिप्लिन वे में और आपका एक बार पढ़ लेंगे तो साइंस की समस्या हमेशा सारे एग्जाम से चला जाएगा ये कोड का यूज़ कर लीजिएगा अयाची बैचले निकले वाई एट जीरो टू कोड का यूज़ कर लीजिएगा चलिए हम लोग पहला सवाल ले लीजिए सवाल से चालू कीजिए है ना पहला सवाल ले लीजिए और सवाल से चालू कीजिए जल्दी सवाल से चालू करते हैं सर बोर्ड का कलर चेंज कर दीजिए हमें सब बोलता है कि चलो ठीक है तो यहाँ पर आप लोग कंटेंट क्यों नहीं देंगे चलो सही है बिल्कुल चलो यहाँ पर सवाल देखिए और जवाब देना चालू कीजिए सवाल देखिए जवाब देना विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ठीक है जल्दी बताओ सवाल यहां क्या पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग है ना कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के प्रिंसिपल पे कौन कार्य करता है क्या कार्य करता है जल्दी से बताइए तो जल्दी से देखते हैं क्या होगा क्या होगा यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है रैखिक संवेग पहली बात तो संवेग क्या होता है रैखिक संवेग क्या होता है संवेग क्या होता है भैया संवेग संरक्षण का सिद्धांत स्कूल में पढ़े होंगे आप लोग संवेग है ना मोमेंटम लीनियर मोमेंटम संवेग क्या होता है संवेग है ना वेग किसके साथ में मास के साथ में है ना मास क्या होता है एम वी पीअल टू क्या होता है एम वी मास इंटू उसका वेलोसिटी यही होता है है ना मास इंटू वेलोसिटी होता है तो अब यहां पर देख लीजिए इस हिसाब से कौन काम करता है अच्छा कौन सा पहला ही क्वेश्चन है ये ठीक है रॉकेट हेलीकॉप्टर जेट एरोप्लेन कौन कार्य करता है रॉकेट जो छोड़ते हैं आप एक बार थर्स्ट जो दे दिया जाता है सॉलिड जो फ्यूल का यूज होता है थर्स्ट दे दिया जाता है तो जैसे जैसे बढ़ते जाता है संवेग के साथ है ना मास तो उसका फिक्स रहता है वेलोसिटी बढ़ता है जैसे जैसे गति जाता है तो ये काम करता है ये जो है क्या कार्य करता है किस पे कार्य करता है संवेग के सिद्धांत पे काम करता है रैखिक है ना लीनियर मोमेंटम पे काम करता है संवेग समझ रहे ना लीनियर दिख नहीं रहा है सर क्या नहीं दिख रहा कैसे नहीं दिख रहा हम यहाँ मोबाइल में, में भी चलाए हुए हैं देखिए हम यहाँ मोबाइल में भी चलाए हुए हैं और मुझे स्पष्ट दिख रहा है आपको दिखाऊँ मैं है ना स्पष्ट दिख रहा है बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा मैं भी यहाँ पर अगर पढ़ता रहता कोई सर पढ़ाते रहते तो स्पष्ट दिख रहा है यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है है ना चलिए यहाँ पे तो यहाँ पे अब जो है दूसरी बात अब हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर एरोप्लेन और जेट तो हेलीकॉप्टर और जो है ना एरोप्लेन जो है किस वे पे कार्य करता है आप लिक्विड में पढ़े होंगे ना लिक्विड में बर्नॉलिज थ्योरम बर्नोलिज बर्नोलिश पर में पढ़े होंगे थ्योरी पढ़े होंगे लिक्विड सेक्स लिक्विड के लिए होता है है ना तो गैसेस में भी होता है तो हेलीकॉप्टर जो है जो है हेलीकॉप्टर हो गया एरोप्लेन हो गया बर्नोलिश थ्योरम के आधार पर प्रिंसिपल पे काम करता है जेट जो होता है न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन है ना थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे कार्य करता है और ये कौन रॉकेट किस पे काम करता है लीनियर मोमेंटम पे लीनियर मोमेंटम पे ये कार्य करता है लीनियर मोमेंटम पे करता है ठीक है क्लियर है चलो बढ़िया ठीक है पढ़े हैं याद नहीं है ठीक है चलो ओके थैंक यू थैंक यू सपोर्ट के लिए है ना चलिए अगला सवाल ले लेते हैं अब आगे ये सवाल बहुत इजी है आप लोग बना सकते हैं जल्दी बता दो ये इजी सवाल है आप लोग बना सकते हैं जल्दी से बता दो आप लोग खुद से बताओ बोला एड्रीनल ग्लैंड है ना लूडो उड़ो <laughs> चलिए तो ये सवाल ये है इसलिए मैंने बताऊंगा डायनेमो ऊर्जा रूपांतरित करता है डायनेमो क्या करता है डायनेमो जो पहले साइकिल वगैरह में लगा रहा था और बहुत जगह लगा था डायनेमो क्या कहता है मैकेनिकल है ना जैसे देखिएगा डायनो पहले जो साइकिल हुआ करता था ना साइकिल चलाते थे ठीक है साइकिल चलाते थे पहले अब तो साइकिलो नहीं होता अब घर में से कोई साइकिल नहीं रखता कुछ लोग रखता तो स्टाइलिश साइकिल भले रख लेता है तो साइकिल का पहिया में पीछे वाला पहिया में जो है ना डायमो वायर लगा हुआ रहता था तो आर आगे में टॉर्च जैसा रहता था पहले हुआ करता था इस तरह से लेकिन अब नहीं होता तो ये क्या जैसे जैसे चक्का घूमता था ये डायनोमो से घूम घूम के जो है ना इलेक्ट्रिक एनर्जी डेवलप करता था किससे भैया तो मैकेनिकल एनर्जी से घूम घूम के मैकेनिकल एनर्जी तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करता था ये हो गया बिल्कुल सही है यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में बदलता है बहुत सही है है ना ठीक है दूसरी बात हम क्या कर लेते हैं आर भी कुछ है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलने वाला कोई उदाहरण एक इंस्ट्रूमेंट का नाम बता दो तो कोई एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट का नाम बताओ जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है है ना मैकेनिकल एनर्जी को मैग्नेटिक एनर्जी में और नन ऑफ दीज छोड़ो सब नन ऑफ दीज से मत बताओ हमको सी से मत बताओ एक तो बताना ही पड़ेगा बताओ एक उदाहरण बता दो माइक्रोफोन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है वो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में बदलता है मैकेनिकल फोर्स हाँ तो साउंड ठीक है बिल्कुल मैकेनिकल वेव के रूप में हो जाता है सही है ये भी सही है थोड़े कुछ हद तक एक और इससे सुंदर उदाहरण क्या हो जाएगा मोटर मोटर क्या होता है इसमें इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिसिटी देते हैं उससे भाई पानी निकलना का काम बहुत सारा है ना रोटेशन का काम बहुत सारा काम हो जाता है तो मोटर भी हो जाएगा है ना चलिए साउंड इसीलिए थोड़ा सा सही हो जाएगा क्योंकि साउंड मैकेनिकल वेव है चलिए अगला सवाल ये पढ़ के पढ़िए उसके बाद जवाब दीजिए पहला क्वेश्चन से संबंधित सवाल है कहीं ना कहीं ये राइट है ठीक है बिल्कुल सही है इलेक्ट्रिक मोटर बिल्कुल सही है मोटर बिल्कुल सही है इलेक्ट्रिक को साउंड में बिल्कुल माइक्रो हाँ ठीक है ना चलो जल्दी से ये वाला पढ़िए क्वेश्चन ये पढ़िए थोड़ा छोटा है ध्यान दीजिए पढ़ जाइएगा ठीक है जल्दी से बताएंगे हो गया दिखाई नहीं दे रहा अच्छा ये छोटा है थोड़ा सा इसीलिए दिखाई नहीं दे रहा होगा हम ठीक करते हैं रुको उसको हम बता दे रहे हैं इसको हम भी बता सकते हैं क्या सुनो पूछ रहा है ना एक जेट इंजन ये छोटा क्वेश्चन बड़ा था ना इसलिए एक जेट इंजन और रॉकेट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है है ना कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिस्पेक्ट ऑफ ए जेट इंजन एंड रॉकेट बोल क्या रहा है एक जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन आक, आपूर्ति के लिए आसपास की हवा का उपयोग करता है इसलिए गति के लिए अनुपयुक्त है जेट इंजन आसपास का ऑक्सीजन का उपयोग करता है इसलिए अनुपयुक्त है भैया वो लेता है हवा आगे से और पीछे की ओर छोड़ता है तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन से उससे आगे बढ़ता है तो अनुपयुक्त वाली बात बोल दिया यहाँ पे अच्छा चलिए देख लेते हैं ठीक है अनुपयुक्त मतलब क्या हो गया फिर दूसरा क्या बोल रहा है एक गैस रॉकेट गैस के रूप में ईंधन ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है तो कौन सा कथन सही है तो गेंधन बोला जाता है रॉकेट गैस के रूप में ईंधन का आपूर्ति जो शुरुआती फेज में करता है फिर संवेक से आगे बढ़ता है ठीक है तो कथनों पर विचार कीजिए कौन सा सही है तो एक नंबर भी सही है है ना हवा आसपास को लेके जेट इंजन तो उसको उपयोग करके थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन के थर्ड लॉ का यूज करती है जेट इंजन और रॉकेट जो है रॉकेट जो है सीधे लीनियर मोमेंटम में चलता है तो एक तो सही है दो भी इसी हिसाब से चलिए तो इस हिसाब से तो क्या आंसर हो जाएगा आपका है ना दोनों सही हो जाएगा समझ रहे हैं इतना छोटा अच्छा छोड़ो ज्यादा स्ट्रेस मत दो दिमाग से चलिए हम लोग आगे वाला ले लेते हैं अगला वाला क्वेश्चन बड़ा करके लाएंगे क्वेश्चन देखो द स्टील की गेंद स्टील की गेंद में पदार्थ की मात्रा क्या है द अमाउंट ऑफ मैटर इन ए बॉल ऑफ स्पीड इज इट्स क्या होगी अमाउंट ऑफ मैटर इन बॉल ऑफ स्टील इन इट्स मास वॉल्यूम डेंसिटी वेट क्या होगा जल्दी बताइए ब्लैंक थोड़ा जूम कीजिए चलिए कोई बात नहीं अभी थोड़ा बड़ा सवाल है हो जाएगा भाई तो ये देखिए होता क्या है ना एक स्टील की बॉल की बात किया जा रहा है उसमें क्या बोल रहा कि मैटर क्या मैटर क्या चीज मैटर का मतलब क्या उपस्थित द्रव्यमान पदार्थ की मात्रा तो पदार्थ उपस्थित पदार्थ की मात्रा को क्या बोलते हैं द्रव्यमान बोलते हैं है ना उसको क्या बोलते हैं मास बोलते हैं सिंपल क्वेश्चन है है ना वॉल्यूम डेंसिटी वेट हर एक मास में क्या होता है वॉल्यूम भी होता है डेंसिटी भी होता है और वेट भी होता है हर एक मैटर में ये सचारो चीज होता है मैटर क्या है जिसमें ये चारो चीज रहते हैं ए इज द राइट आंसर ए बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का क्या हो गया शायद रुक गया है क्या आप लोगों का कमेंट नहीं आ रहा क्या बात है कमेंट नहीं आ रहा कमेंट स्टॉप हो गया कमेंट स्टॉप हो गया दिख नहीं रहा संध्या मैम सी बीकर के अंदर रखे पानी की सतह हां क्वेश्चन है इसलिए रुका हुआ है था बीकर के अंदर पानी की सतह और बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है या टुकड़ा पिघल जाता है तो बीकर में पानी का स्तर क्या होगा क्या क्वेश्चन पूछा है देखो क्वेश्चन क्या पूछा ध्यान से देखना कोई एक बीकर है ठीक है बीकर है इसी तरह का मान लीजिए थोड़ा थोड़ा है इसमें पानी है एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है जब तक तैर रहा है है ना जब तक तैर रहा है तब तक ठीक है मैसेज नहीं आ रहा मैसेज रुक गया शायद फायरिंग चल रही है ना मैडम कंपनी में हाँ, कल ही हमको कोई कोई बोला कि हाई लेवल पे फायरिंग चल रही है याद ही नहीं रहा हाँ हाँ हाँ, हाँ फिजिक्स की क्लास है राइट right आंसर होगा क्या होगा हम्म 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 का हुआ सर वही फिलिस्तीन और इजराइल वाला फायरिंग है ना फिलिस्तीन इजराइल वाला में जो है ना केस में जबरदस्त फायरिंग चल रही है वहां पे रुका नहीं है ट्रांजेक्शन ओह डिजिटल ट्रांजेक्शन चल रहा है श्वेता चलिए बस बहुत सही है बीपीएससी प्री वाले क्वेश्चन करा दीजिएगा हाँ करवा देंगे करवा देंगे एकदम करवा देंगे मुझे लगा कि स्टॉप हो गया आप लोगों का चल रहा था सुनिए मेरी बात क्या बोल रहा है यही जब पिघलेगा ये जब पिघलेगी तो क्या होगा पिघली होगी तो क्या होगा लेवल ऊपर जाएगा नीचे जाएगा तो भैया जो वाटर का एरिया जो बाहर किया था साइड किया था उसी में वो क्या किया हुआ था उसी में क्या हुआ था अपने आप को प्लेस किया हुआ था तो पिघलेगा तो वही जगह को ऑक्यूपाई कर लेगा वो तो न बढ़ेगा और ना ही घटेगा एक समान रहेगा समझ लीजिएगा वुड बी द सेम सी द न्यूज वगैरह देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो हम्म थोड़ा न्यूज वगैरह देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं तो न्यूज वगैरह में क्या स्थिति है पूरा वर्ल्ड सिनेरियो गाजा पट्टी और वो सब देख रहे हैं देखते रहना चाहिए न्यूज पर खबर रखना चाहिए ज्ञान बढ़ता है सुनिए क्या क्वेश्चन अगला क्वेश्चन क्या है अगला नदी पर तैरने वाले जहाज या नाव को समुद्र पर स्थानांतरित किया जाता है तो जहाज या नाव का स्तर क्या होगा बताओ पूछ क्या रहा है? नदी पे तैरने वाला जहाज या नाव समुद्र पर स्थानांतरित किया जाता है तो जहाज या नाव का स्तर क्या होगा एलईडी बेकार हो गया क्या एलईडी बेकार हो गया चलिए जल्दी बताएंगे तो बोला जाता है जैसे कि एक नदी है नदी से जैसे समुद्र में पान जाता है मान लेते नदी है नदी से कोई जहा जो पानी जहाज है ना सीप जा रहा है और जैसे समुद्र के एरिया में जाएगा तो उसका वो थोड़ा सा जितना अंदर धंसा हुआ था उससे थोड़ा उठ जाता है थोड़ा ऊपर उठ जाता है क्यों उठ जाता है भैया क्योंकि जो न, वाटर जो है ना सी वाटर जो है सी वाटर जो है का डेंसिटी नदी के वाटर का है ना रिवर वाटर के डेंसिटी से हाई होता है इसकी डेंसिटी क्या होती है ज्यादा होती है इस डेंसिटी ज्यादा होगी तो ज्यादा धंसने नहीं देगा किसी भी चीज को किसी भी चीज डेंस चीज में आप देखिएगा जो कम डेंस रहेगा उसमें दबाव आप ज्यादा दे सकते हैं ज्यादा डेंस रहेगा उसमें दबाव animals? नहीं दे सकते समझ रहे कि नहीं समझ रहे ठीक है क्या बात है भाई हम्म हम्म हम्मीज चलिए बहुत सही तो यहाँ पे तो आप क्या लिखेंगे अर्लियर विल स्लाइटली अप बी इज द राइट आंसर किसका किसका बी आंसर है जल्दी बताओ बी आंसर किसका किसका है किसका किसका बी आया था बताओ आप लोग इधर उधर आप लोग परीक्षार्थी है ना एग्जाम देना है ना आने वाले समय में सिलेक्शन ना लेना है तो सिलेक्शन वाले बच्चे क्या इधर उधर, उधर बात करते हैं क्या क्यों अपने काम पे रहते हैं बताओ जल्दी बताओ ये सवाल पढ़ो अब लोहे के किल पारे में क्यों तैरती है लेकिन पानी में डूब जाती है यह सवाल का जवाब जो दे देगा जो दे देगा है ना मैं अभी गारंटी दे दे रहा हूं एट्टी परसेंट सिलेक्शन तय है उसका एट्टी परसेंट अभी बाकी बाकी सवाल पे बीस परसेंट और तय करेंगे एट्टी परसेंट उसका सिलेक्शन भवा ऐसा वाला बात होगा जल्दी बताइए जल्दी से बताइए जो सही जवाब दे देगा क्या होगा तो देखिए इसका सही जवाब होगा हाँ 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 देखिए होता क्या है ना लोहे का किल जो है पारे पर तैरेगा लेकिन पानी में क्या होगा डूब जाएगा तो पानी में तो डूबे करेगा ये तो सभी जान रहा है कि पानी में तो डूबता है ये सब जानता है लेकिन पारा में प्रैक्टिकल आप नहीं होंगे देखिए पा लोहे का जो घनत्व होता है वो सेवन पॉइंट एट होता है पारा का जो घनत्व होता है वो थर्टीन पॉइंट सिक्स होता है समझ रहे हैं सेवन पॉइंट एट और थर्टीन पॉइंट सिक्स और ये जो है तो अब बताइए कौन अगर इसे यही वाला घनत्व वाला जब इस पे मतलब कि पारे में जो है लोहे का गिराएंगे आप तो डूबेगा नहीं डूबेगा कोई कीमत पर नहीं डूबेगा कोई कीमत पर नहीं डूबेगा अगला सवाल ले लीजिए क्या है क्या है अगला सवाल जल्दी बताइए जितना जल्दी बता सकते हैं जल्दी से बताएंगे मैंने बताया था ना बहुत लोगों को फिजिक्स से लेकिन बात सही है कि आप लोगों को पढ़ना तो पड़ेगा ही थर्टीन पॉइंट सिक्स इन एच जी बहुत सही वीरू, वेरी गुड समुद्र पर हिमशैल के टुकड़े के तैरने के दौरान हिमशैल के टुकड़े का कौन सा कितना हिस्सा जल स्तर से बाहर रहता है ये बताओ पूछ रहा है कि भैया जब ओशियन होता है ना बड़ा बड़ा शैलखंड खंड जो है ना शैलखंड जो है उसमें तैरता रहता है अब तैरता जो रहता है क्या बर्फ बर्फ जो तैरता रहता है वो तैरने बर्फ का कितना हिस्सा एक बटे नौ हिस्सा एक बटे दस हिस्सा एक बटे सौ छह हिस्सा एक बटे चार हिस्सा बताइए हाँ बिल्कुल सही जवाब है नहीं पता तुक्का सही लग गया आपका एक बटे दस हिस्सा जो है ना वो पानी से बाहर तैरता रहता है कोई भी चीज तैराइएगा तो एक बटे दस हिस्सा जो है पानी से बाहर तैरता रहता है चलिए वन बाई द राइट आंसर अगला सवाल ले लीजिए क्या है अगला सवाल इन एरोप्लेन इंक गेट आउट ऑफ फाउंटेन पेन हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल जाती है हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल जाती है क्यों निकल जाती है बताओ कम वायुमंडलीय दबाव के कारण जहां गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव कम है पहाड़ों पर हवा तूफानी है इनमें से कोई नहीं बताओ जल्दी सा हाँ बिल्कुल श्वेता कुमारी सही है मुकेश भी सही है ठीक है चलिए जल्दी से बताएंगे अच्छा एक बात मुझे बता दीजिए आप लोग जितने लोग यहां पे दिख रहे हैं जितने भी विद्यार्थी दिख रहे हैं सभी टीचर के फॉर्म में ही आने वाले है ना आप लोग टीचर टीचर के लिए सभी लोग एलिजिबल है ना बिहार में शिक्षक के लिए सभी लोग एलिजिबल है ना सिक्स टू एट हो जाए या नाइन टू हो जाए सभी लोग है ना आप लोग जितने लोग हैं यस yes और नौ no में जवाब दे देंगे ठीक है तो आप लोग क्या किए हुए हैं बीएड किए हुए बी के, के बाद क्या किए हुए बी बिहार टेट पास किए हुए हैं या Uh, क्या सी टेट पास किए हुए हैं क्या है ज़्यादातर लोगों का दोनों में दोनों पेपर में ठीक है ठीक है तब तो बहुत सही है बताओ आप लोग बिहार टेट है या सी टेट है सिक्स टू एट के लिए तो मंगा है ना वो एस्टेट हाँ एस्टेट नाइन टेंथ के लिए एस्टेट तो नाइन टेंथ के लिए ना बोथ 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 चलो सीटे टेस्टेड दोनों चलिए बहुत सही है बेहतर है शिक्षक बनने के लिए आप एलिजिबल है तो ठीक है तो पूरा सीरियसली पढ़ाई कीजिए तब हवाई जहाज़ में फाउंटेन पेन क्यों स्याही निकल जाता है जैसे जैसे आप अर्थ सरफेस से ऊपर की ओर जाते हैं प्रेशर कम होता जाता है है ना प्रेशर कम होता जाता है टेम्परेचर भी कम होता है लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर आप ज्योग्राफी में पढ़े होंगे प्रेशर भी कम हो जाता है तो प्रेशर कम होता है कोई भी चीज का जब प्रेशर होता है तो उबाल मारने लग जाता है समझियो फेंकता है बाहर की ओर तो फाउंटेन पेन जो है लीक हो जाता है अपना दबाव जो है ना उससे कम हो जाता है लीकेज हो जाता है बिहार टेट होगा इस बार वैकेंसी से पहले अच्छा हाँ हाँ ठीक है तो इसी वजह से तो क्या होता है वायुमंडलीय दबाव कम हो जाने की वजह से ऐसा होता है वायुमंडलीय दबाव कब होने से होता है क्या है अगला सवाल क्या है बैरोमीटर के इंडिकेटर के का अचानक, अचानक पतन इंगित करता है मौसम के बारे में क्या बताता है बताओ बैरोमीटर जो है क्या बोल रहा है द सडन डाउनफॉल ऑफ द रीडिंग ऑफ द इंडिकेटर ऑफ बैरोमीटर इंडिकेट अगर अब बैरोमीटर में अचानक जो है दबाव कम दिखने लग जाए यहाँ था अचानक से यहाँ दिखने लग जाए कम हो जाए इसका मतलब क्या होता है कहीं पे अब प्रेशर कम हो जाने का मतलब होता है ना धरती पे कहीं शांत हो जाए प्रेशर कम हो जाएगा इसका मतलब चारों तरफ से हवा उसको भरने के लिए आएगा प्रेशर कम होने का मतलब होता है खाली हो जाना उस एरिया में तो चारों तरफ से जब हवा आएगा तो बवंडर बनेगा चक्रवात बनेगा साइक्लोन बनेगा आंधी तानी आंधी पानी तूफान उफान सब हो जाएगा तो क्या होगा विल बी स्टेबल एंड काम बरसात होगी सर्दियों का मौसम होगा चक्रवाती होगा तो क्या होगा विल बी साइक्लोनिक ये क्या होगा साइक्लोनिक होगा चक्रवाती होगा डी इज द राइट आंसर क्या होगा ये साइक्लोनिक होगा अगला सवाल क्या है भाई देखो निम्नलिखित में से किस में गतिज ऊर्जा मौजूद नहीं है ठीक है साइक्लोनिक होगा बिल्कुल सही है किस में गतिज ऊर्जा मौजूद नहीं है इसमें से गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी किस में नहीं होगा बताओ फायर बुलेट कोई गोली मारे गोली चल गया गोली चल गया इस तरह से ड्राइव है ना मौजर इस तरह का होता है ना गोली चल गया ये फायर बुलेट फ्लोइंग वाटर है ना पाइप से जो है पाइप से पानी ऐसे गिर रहा है ठीक है उसके बाद हैमर है ना कोई हैमर से धड़ाम धुड़ूम मार रहा है इस तरह से धड़ाम धुड़ूम मार रहा है एक स्ट्रेस्ड बो बो एक हाँ बो मतलब क्या हो गया धनुष ये धनुष को कोई खींच लिया इस तरह से खींचा हुआ है तो किस में नहीं होगा तो हाँ बिल्कुल सही है अगेन डी होगा डी डी होगा तो अच्छा ठीक है ये डी होगा इसका मतलब फायर बुलेट में फ्लोइंग वाटर में इंपार्टेड हैमर में होगा सब में होगा काइनेटिक एनर्जी तो इसमें स्ट्रेस बॉ में क्या होगा कौन सा एनर्जी इसमें होगा डी में कौन सा होगा डी में कौन सा एनर्जी होगा बता दो डी में कौन सा एनर्जी होगा ये भी बता दो तो डी में होगा कौन सा भैया स्थिति ऊर्जा स्थिति के कारण है ना अस्टोर्ड एनर्जी फोर्स है ना समझ लीजिए इस तरह से चलिए स्थिति के कारण किसको बोलते हैं स्थिति ऊर्जा को, को? चलिए यदि एक गतिमान वस्तु अपने वेग को दुगुना कर देता है तो शरीर की गति ऊर्जा का क्या हाल होगा बताओ फैला हुआ धनुष बिल्कुल स्थिति ऊर्जा बहुत सही है हाँ बताओ मुझे यदि किसी द्रव्यमान की, की गतिमान वस्तु अपने वेग को दोगुना कर देता है तो शरीर की गति ऊर्जा क्या होगी इफ ए मूविंग बॉडी डबल्स इट्स वेलोसिटी देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी विल डबल फोर टाइम्स सेम थ्री टाइम्स हम्म क्या होगा देखो हाफ एम बी स्क्वायर काटिक एनर्जी एनर्जी पूछ रहा है हाफ एम वी स्क्वायर हाफ अपनी जगह रह गया है ना क्या पूछ रहा है क्या करना है बॉडी वेलोसिटी, मूविंग बॉडी डबल्स इट्स वेलोसिटी, वेलोसिटी डबल कर दिया जो भी तो एम हो गया वी का जगह टू वी हो गया इसका स्क्वायर होगा, तो वी का दो का हो गया चार तो चार गुना हो जाएगा तो चार गुना ऑप्शन में है हा बी इज द राइट आंसर बी इज द राइट आंसर चाहिए होगा ठीक है चलो अगला सवाल देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन देखो अगला ए वेटलेसनेस रबर बैलून इज फिल्ड विथ टू हंड्रेड सी ऑफ वॉटर इट्स वेट इन वॉटर इज इक्वल टू जल्दी बताएंगे सवाल हार्ड लग रहे हैं क्या सवाल आप लोगों को हार्ड लग रहे हैं क्या ज्यादा या बहुत हल्का भी लग रहा है क्या बता दीजिएगा एक भारहीन रबर का बैलून है बैलून है वो पानी भारी है मतलब इसमें वेट ज्यादा नहीं हल्का वेट है ये नहीं है इसमें पानी भर दिया वाटर भर दिया और वाटर में ही डुबा भी दिया यहां से यहां तक वाटर में डुबा भी दिया अब बताओ कि इसका वेट कितना होगा मतलब कि इसका वेट कितना होगा बैलून का वेट कितना होगा तो भैया वेट ऐसे भी नहीं है उसका वेट है ही नहीं तो इसका वेट जो है वाटर में सब तो अपना बराबर हो गया लेकिन हाँ वाटर लेवल से ऊपर ले जाएगा तब वाटर के कारण इसका भी वेट बढ़ेगा लिफ्ट वाला हिसाब किताब इसका भी हो रहा है लेकिन वाटर में है तो कोई तो जीरो इज द राइट आंसर वाटर के अंदर तो कोई वेट नहीं लगेगा जीरो इज द राइट आंसर अगला सवाल क्या है देखो पढ़ो ये क्वेश्चन पढ़ के जवाब देने वाला है पढ़ के जवाब देने वाला क्वेश्चन है बताओ क्या पूछ रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए फोर व्हील व्हीकल चार चक्के गाड़ी की बात पूछ रहा है एक चार चक्का पहिया वाहन तेज वृत्ताकार पथ पर तेजी से चल रहा है तेज वृत्ताकार पथ पर ये तेजी से चल रहा है चार चक्का जो है तेजी से चल रहा है अब जब तेजी से चल रहा है ये तो एक बात बताइए जब ये टर्न करता किसी राउंड सर्कल पे है ना राउंड सर्कल पे जब टर्न करेगा तो क्या होगा क्या क्या होगा पहला इसका जो बाहरी पहिया जो है के बारे में पलटे बाहरी पहिया क्या होगा पलटेगा बाहर का जो इधर जो इधर की शोर गाड़ी को शोर है वो पलटेगा क्या तो पलटेगा कौन सा इधर वाला पहली बात तो इसके आंतरिक पहियों के बारे में पलटना तो क्या होगा आंतरिक पहिया पलटेगा हाँ ये ठीक है इधर की ओर ये टर्न करेगा है ना जब घूमेगा तो ये टर्न करेगा बाहर की ओर फिसलेगा फिसलेगा किधर हाँ स्केटिंग किधर की कि ओर कि देखिएगा गाड़ी जैसे मोड़ता है और अधिक जो है बैलेंस अगर नहीं होता है सेंट्रीफ्यूटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में तो बाहर की ओर घिसीटते हुए चला जाता है तो फिसलेगा कहाँ बाहर की ओर तो ये दो नंबर के साथ ये तीन नंबर भी सही है दो भी सही है तीन भी सही है फिर अंदर की ओर फिसलेगा नहीं अंदर की ओर नहीं फिसलेगा बाहर की ओर फिसलेगा तो दो और तीन सही होगा टू एंड थ्री इज द राइट आंसर सी इज द राइट आंसर अगला सवाल क्या है स्टेटमेंट आप पढ़ो आंसर मैं करूंगा अच्छा ठीक है टू एंड थ्री ओके सही है अगला सवाल क्या है? देखो यदि पृथ्वी की त्रिज्या यदि पृथ्वी की त्रिज्या एक प्रतिशत से सिकुड़ कर सिकुड़ जाती है तो इसका द्रव्यमान समान रहता है तो पृथ्वी की सतह जी का मान क्या होगा फॉर्मूला क्या होता है जी इज्कल टू जी एम बाई आर स्क्वायर ठीक है बोल रहा मास कांस्टेंट रहेगा रेडियस को घटा देगा तो पूछ रहा है कि जी का मान कितना होगा तो पृथ्वी की सतह पर जी का मान कितना होगा बताओ दो थ्री गुड श्वेता सही है सही है चलो हाँ तो यहाँ पर क्या बोल रहे थे पृथ्वी की त्रिज्या एक प्रतिशत सिकुड़ जाती है तो द्रव्यमान समान रहता है तो जी का मान कितना होगा तो ये अब बा, एक बात समझ लीजिएगा कि यहाँ पर तीन जो है क्या बोला जा रहा है इसका अपोजिट रिएक्शन अगर देखिएगा इसमें कभी भी ये अगर कम हो रहा है अगर रेडियस कम हो रहा है तो जी का मान तो बढ़ेगा ना और जी का मान बढ़ेगा तो यहाँ पर देखिए क्या होगा कैलकुलेशन बाद में कीजिएगा पहले ऑप्शन देख लीजिएगा तीनों में कमी दिया हुआ है एक में ही केवल वृद्धि दिया हुआ है तो बस यही सही हो गया कैलकुलेशन बाद में करेंगे पहले तो देख लीजिएगा ऑप्शन सर ये सब पढ़ाई पेड़ बैच में भी होगा क्या हाँ भाई पेड़ में इससे ज़्यादा होगा पेड़ में क्या होगा ना ये तो केवल एम सी क्यू चल रहा है पेड़ में ये सारा पहले थ्योरी करेंगे हम लोग थ्योरी के साथ जो है ना उसके बाद एम सी क्यू करेंगे थ्योरी और एम सी क्यू करेंगे हर एक टॉपिक का थ्योरी करेंगे उसका एम सी क्यू फिर थ्योरी कुछ उसका एम सी क्यू कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे चलेगा ठीक है तो आप लोग आइए पेड़ बैच में है ना आयाची बैच लॉन्च हो चुका है और ये कोड लॉन्च हो चुका है ये दोनों कोड और आई बैच लॉन्च हो चुका है तो आप उसमें जो है इनरोल हो जाइए बैच कल से चालू हो गया है मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन सरफेस ऑफ अर्थ इज हंड्रेड के क्या बोल रहा है मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन सरफेस ऑफ अर्थ इज हंड्रेड के जी कैलकुलेट ऑन द मून सरफेस हंड्रेड के है अर्थ पे हंड्रेड के है अर्थ पर तो चांद पर जाके वेट उसका कितना हो जाएगा ये तो रटा रटा है सवाल जैसा है यहां पर यहां पर प्रैक्टिस सेशन चलाते हैं यहां प्रैक्टिस सेशन चल रहा है यहां पे जो है पुराने कुछ पढ़ लिए बच्चे उसके लिए भी है जो नहीं पढ़े उसके लिए भी है तो सबको लेकर यूट्यूब पे चलना क्योंकि जो है पेड़ बेच में जो बच्चे होते हैं ना वो ऑफलाइन क्लास की तरह जो ना रेगुलर बेस पे हर दिन अपने टाइम पे उपस्थित होते हैं तो एक चैप्टर खत्म करने के बाद दूसरा चैप्टर हम उसी बच्चे को पढ़ाते हैं तो हमें पूछना नहीं पड़ता है है ना यूट्यूब पे आज है आप कल नहीं है फिर परसों आ गए फिर न ऐसे वाला बात होता है तो रेगुलरिटी नहीं होता यहाँ पे बच्चों के साथ तो इसीलिए जो है वहाँ पे ही बताना पड़ता है सारा थ्योरी यहाँ पर प्रैक्टिस चलवाता हैं क्या बोल रहा भैया चंद्रमा पे जाते हैं हा 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 क्या हो गया बी बी ठीक है इस क्वेश्चन का एनालिसिस कीजिए किस क्वेश्चन का किस क्वेश्चन का एनालिसिस तो किया ना पीछे वाला क्वेश्चन के बात कर रहे हैं एक बात सुनिए पिछले वाला कौन सा क्वेश्चन है ये वाला यहां पर एक ही चीज एनालिसिस करना हम कैलकुलेशन तब करते जब आंसर नहीं निकलता बात क्या है देखो पूछ रहा है कि रेडियस ऑफ अर्थ वेयर श्रिंक मतलब अर्थ का जो है ना रेडियस जो है वो श्रिंक हो गया मतलब कम हुआ है लेकिन मास उतना ही है यानी डेंसिटी बढ़ा होगा चलो कोई बात नहीं तो फिर पूछ रहा है क्या तो जी का मान निकालिए जी का मान तो जी का फार्मूला क्या होता है जी इज्कवल टू कॉन्स्टेंट जी इन टू एम बाई आर स्क्वायर यह फॉर्मूला होता है देखिएगा अगर नीचे वाला या न्यूमरेटर नुम, नुम, और डिनोमिनेटर वाला पढ़े होंगे ना अगर ये कम होगा तो ये बढ़ेगा ये बढ़ेगा तो ये घटेगा ऐसा ही होता है ना तो ये बोल रहा है रेडियस कम किया है तो जी का मान बढ़ेगा अब जी का मान बढ़ेगा तो बाकी सब तो भाई क्या बोल रहा है यहाँ पे सब चीज़ में कमी बताया है तीनों में ऑप्शन में एक ही में वृद्धि बताया है तो ये बी इज द राइट आंसर बी बिल्कुल सही होगा अगला सवाल है ना देखिए चांद पे जाने के बाद एक बटे छ हो जाता है जितना भी वेट रहता है वेट का एक बटे छ हो जाता है तो सौ के जी है तो के जी को आप 6 से डिवाइड दे दीजिएगा तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स भारत इंडिया के ग्रेविटी से उसका ग्रेविटी चांद का ग्रेविटी वन सिक्स हो जाता है तो ये कम हो जाएगा तो ये ध्यान रखिएगा वन बाई सिक्स के अगला सवाल ले लीजिए क्या है अगला सवाल अगला सवाल क्या है क्या है अगला सवाल देखिए क्या अगला सवाल ए बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम बिल्डिंग देन कैलकुलेट इट्स वेलोसिटी आफ्टर थ्री सेकेंड ए बॉल जो है बिल्डिंग से गिरता है ठीक है और जब गिरता है तो वेलोसिटी इसका जो क्या होगा यहाँ पर न्यूटन एसिलरेशन कितना होगा एक्सिलेशन यानी कि जी कितना होगा नाइन पॉइंट न्यूटन है है ना और यूनिफॉर्म होता है एक्सिलेशन यूनिफॉर्म एसिलेशन होता है ग्रेविटी की तरफ अर्थ की तरफ जो भी गिरता है तो पूछ रहा उसकी वेलोसिटी कितना होगा तीन सेकंड में वेलोसिटी कितना होगा एक बैंड की जो गेंद को जो है उसकी इमारत से गिराया जाता है तो तीन सेकंड के बाद उसका वेग कितना हो जाएगा तो यह न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है तो जो तो यहाँ से शुरू भी किया है तो इनिशियल वेलोसिटी जो जीरो से भी शुरुआत किया तो तुरंत अगले सेकंड में क्या हो जा रहा है इस एसिलरेशन के जीरो से जो बढ़ेंगे तो इस एसिलरेशन के साथ आगे बढ़ेंगे तो तीन सेकंड में कितना हो जाएगा है ना तीन सेकंड में इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी क्या पूछ रहा है वेलोसिटी आफ्टर थ्री सेकेंड तो ये तो क्या तो हो जाएगा नाइन पॉइंट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा नौती है सत्ताइस आठती है चौबीस दशम 29.4 ऑप्शन में है हाँ है 29.4 मीटर पर सेकंड अब इसमें क्या समझने वाली बात है समझे कि नहीं समझे बताओ मान लेते हैं कोई वस्तु जो है यूनिफॉर्म एसिल है क्या उसका 9.8 है ना वेलोसिटी जिस भी वेलोसिटी से जा रहा है मान लीजिए जीरो से ही है जीरो से ही है तो एसिलेट हुआ जीरो से शुरुआत तो जुड़ जाएगा इंटू तो टू हो जाएगा ठीक है और अगले तीसरे सेकंड में नाइन पॉइंट और जुड़ जाएगा तो मतलब तीसरे नंबर पर नाइन पॉइंट एट से तीन बार मल्टीप्लाई कर दीजिए तीन से ठीक है तीन बार मल्टीप्लाई कर दीजिए ठीक है समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को बताओ किसको किसको समझ में नहीं आया थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना हाँ। ठीक है अगला सवाल क्या होगा क्वेश्चन पढ़ लो पहले एक आदमी पूरी तरह से चिकनी बर्फ के छैतीस विमान के बीच आराम कर रहा है वह न्यूटन का उपयोग करके खुद को किनारे पर ले जा सकता है ठीक है कौन सा नियम से है ना बर्फ का चिकना बर्फ का चिकना चिकने बर्फ जो है ना क्या कर रहा है आराम कर रहा है लेटा हुआ है आराम से है ना यहाँ तक बर्फ है अगर जो है इसको अपने सड़क के इसको दूसरे सिरा तक जाना है तो कौन सा नियम लगेगा यहाँ पे प्रथम नियम का मतलब होगा कि भैया पड़े रहो वहीं पे जड़प तो का है तीसरा नियम का मतलब टीट फोर टैट क्या टीट फोर टैट कोई एक्टिविटी करेगा तब ना टीट फोर टैट और दूसरा नियम क्या है संवेद का नियम इसी के साथ निकलता है एफ इजक्वल टू एम ए फोर्स लगाएगा कितना मास जितना है उससे एक्सेलरेशन थोड़ा एक्सेलरेट करेगा घसकाएगा हाथ से एक्सलरेट करेगा तो एफ इज टू एम एकेंड लॉ में आता है ठीक है तो सेकेंड लॉ दूसरा आंसर right right है ना सेकेंड लॉ बी इज द राइट आंसर बी इज द राइट आंसर ठीक है बी बिल्कुल सही होगा बी राइट आंसर होगा अगला सवाल देखिए वे ए रनिंग कार स्टॉप सडनली एक चलती कार अचानक बंद हो जाता है तो यात्री आगे झुक जाता है ये पचास बार क्यों होंगे बहुत आसान सवालों में से एक सवाल है एनर्सिया के कारण है ना जड़तों के कारण वो आगे की ओर झुक जाएगा ये सवाल हम पार करते हैं आगे मुझे पता है सबको पता होना चाहिए ये अगला ये सवाल भी थोड़ा सा मीडियम में है ना बहुत ज़्यादा हार्ड है ना बहुत ज़्यादा थोड़ा समझ कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल है ये बताओ पढ़ो क्वेश्चन और बताओ जल्दी से जल्दी बताओ फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर गोल पर गेंद शॉट पकड़ने के बाद अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है यह गोल गोल कीपर पर सक्षम बनाता है कैसे बनाता है सक्षम भाई ये गोलकीपर को सक्षम बनाता है क्या चीज़ है गेंद पर बड़ा बल लगाता है हाथों पर गेंद द्वारा लगाए गए बल को कम करता है गति के परिवर्तन की दर में वृद्धि करता है संवेग परिवर्तन की दर को कम करता है जल्दी से बताइए क्या हो गया श्वेता समझ में नहीं आया क्या बिरू जवाब दो ये सब क्या क्या लिख रहे हो जवाब दो जवाब दो सवाल का जवाब दो यार तुम तो अच्छा जवाब देते हो सवाल का क्या हो गया तभी से कुछ कुछ देर से जवाब नहीं देख रहे तुम्हारा मैसेज डिलीट भी कर रहे हो हंसने रोने वाला फोटो मीमोजी भेजने से अच्छा जवाब दो ये जवाब दोगे यही हंसाएगा तो ये क्या भैया संवेग कम करता है ना ऐसे करके संवेग उसका मोमेंटम कम करता है बल को कम करता है द राइट आंसर ठीक है जिसका, जिसका जिसका है इसका जवाब वो अगला अगला सवाल ले अगला सवाल ले लीजिए क्या है क्या है अगला सवाल देख लो जल्दी से देखो सवाल देखो मात्रा वजन किसके द्वारा मापा जाता है द क्वांटिटी वेट इज मेजर्ड बाय बीम बैलेंस सामान्य संतुलन बसंत संतुलन बैलेंस व्हील जल्दी बताओ तो यहां पर क्या होता है मात्रा जो होता है बीम बैलेंस जो होता है बीम बैलेंस के द्वारा तराजू जो होता है बीम बैलेंस स्प्रिंग बैलेंस बैलेंस व्हील कॉमन बैलेंस ठीक है तो ये क्या होता है बीम बैलेंस के द्वारा भी नहीं इसके द्वारा भी नहीं कॉमन बैलेंस नहीं स्प्रिंग बैलेंस ठीक है ना स्प्रिंग बैलेंस है ना मेजर करता है वेट वेट की बात कर रहा है वेट की बात चलो ठीक है ये आप लोगों को पता है अगला सवाल ले लेते क्या है इक्कीस नंबर विच ऑफ विच इज नॉट ए वैक्टर फिजिकल क्वान्टिटी इसमें से वैक्टर कौन नहीं है वेक्टर कौन नहीं है इसमें से विच इज नॉट वेक्टर क्वांटिटी जो एक वेक्टर मात्रा नहीं है जल्दी बताओ मोमेंटम सरफेस टेंशन टॉर्क नन नहीं है पूछ रहा सारे के सारे तो हाँ स्प्रिंग बैलेंस ठीक है यहां पे सारे के सारे जो है वेक्टर क्वांटिटी ही है ठीक है सब बिना डायरेक्शन के कोई नहीं है तो डी ही सही होगा सारे के सारे यहाँ पे अगला सवाल रेशियो ऑफ मोमेंटम और एंड वेलोसिटी इज रेशियो ऑफ मोमेंटम एंड वेलोसिटी इज क्या है मोमेंटम और वेलोसिटी का रेशियो क्या होता है मोमेंटम क्या होता पी इक्वल टू क्या होता है एम वी बटे वेलोसिटी क्या हो गया क्या बच गया क्या बच गया क्या बच जाएगा यहां पे ठीक है तो बिल्कुल यहां इज द राइट आंसर अगला सवाल ले लीजिए क्या इफ एनी पर्सन मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल कोई आदमी जो है कोई आदमी जो है इक्वेटर से पोल की ओर जा रहा है तो क्या होगा पूछ क्या रहा रहा फिर हिज वेट एंड मास रिमेन सेम सेम रहेगा क्या नहीं यहाँ पे जियड शेप है थोड़ा सा जोइड शेप होने की वजह से रेडियस कम होगा तो जो होगा क्या होगा ग्रेविटेशन ज़्यादा लगेगा यहाँ पे है ना हिज वेट एंड मास गेट चेंज है ना उसके बाद हिज वेट रिमेन इक्वल एंड मास चेंज ये भी गलत हो गया मास तो कभी चेंज नहीं होता है वेट चेंज होता है वेट विल गेट इनक्रीज एंड मास चेंज तो डी है ना उसका वजन बढ़ेगा लेकिन द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा ठीक है समझ रहे है बात को चलिए अगला सवाल ले लेते हैं अगला सवाल क्या अगला सवाल क्या बताओ यदि लिफ्ट एक समान गति से चल रही है और लिफ्ट के अंदर वस्तु का वजन बढ़ जाता है लिफ्ट के अंदर वस्तु का कम हो जाता है लिफ्ट के अंदर वस्तु का वजन अपरिवर्तित रहता है इनमें से कोई नहीं जल्दी बताओ यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है ध्यान रखना लिफ्ट के बारे में बता रहा है तो वेट का ऑब्जेक्ट जो है ना इनसाइड इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा रिमेन अनचेंज होगा नन दीज होगा बताओ क्या होगा क्या होगा जल्दी बता दो तो अनचेंज रहेगा अपरिवर्तित रहेगा जब एक समान गति से चल रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये तो हम लोग पड़ेगा असमान होता है है ना लेकिन हाँ अगर वही है कि ऊपर बढ़ेगा एक्सेलरेशन होगा एक्सेलरेट एक्सेलरेशन के साथ ऊपर की ओर बढ़ेगा तो वेट बढ़ा हुआ पता चलेगा एक्सेलरेशन के साथ तेज़ी से अगर नीचे आएगा तो वेट घटा हुआ महसूस होगा और अचानक से एकदम बिल्कुल एक्सेलरेट करके नीचे आएगा तो जो बंदा रहेगा ना वो लिफ्ट के छत से टकरा भी जाएगा ऐसा भी हो जाएगा अगला सवाल ले लीजिए क्या अगला सवाल ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट डिपेंड्स ऑन उपग्रह का कच्ची वेग किस पर निर्भर करेगा बताओ उपग्रह का कच्छीय वेग किस पर निर्भर करेगा उपग्रह के भार पर उपग्रह के द्रव्यमान पर पृथ्वी की सतह और इसकी ऊंचाई पर या सभी पर जल्दी बताओ ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन वेट ऑफ सैटेलाइट, मास ऑफ सैटेलाइट, इट्स हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस ऑल ऑफ एब तो ये डिपेंड करेगा अर्थ के कितने करीब है तो अर्थ के हाइट ऑफ फ्रॉम द सरफेस है ना ऑर्बिटल अर्थ ऑर्बिटल में कौन से ऑर्बिटल में जो है मूव कर रहा है ठीक है जि, जितने करीब रहेगा तो क्या पूछ रहा पूछा सेटेलाइट क्या डिपेंड करेगा वेलोसिटी उसके अर्थ सरफेस से बढ़ते हुए क्रम में देखिए जितना करीब रहेगा उतना तेजी से वो घूमेगा अगला सवाल लेते हैं ठीक है क्या है अगला सवाल आई आर एन एच IRNSS क्या है IRNSS क्या है क्या है भाई बताओ तो यह है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम इंडियन रीजनल नेवल सैटेलाइट सिस्टम इंडियन रीजनल न्यू सैटेलाइट सिस्टम या ऑल नॉन इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम ये है भैया हमारा सैटेलाइट सिस्टम उपग्रह प्रणाली है ये आई आर एन एस एस अगला सवाल ले लीजिए क्या है रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अभी पहला क्वेश्चन या दूसरा क्वेश्चन में आया था इस तरह का बर्नौलीज प्रिंसिपल आर्कमेडिज प्रिंसिपल नॉन क्या होगा जल्दी से जवाब दे देखते हैं कौन जवाब देता है किसका एक ऐसे पूछे भाई पीछे वाला का हाँ क्या गलत है में? इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है जाके सर्च कर लो फुल फॉर्म क्या है इसका फुल फॉर्म क्या है आईआरएनएसएस का फुल फॉर्म सर्च कर लो आप क्या है रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रॉकेट्स वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बर्नॉल प्रिंसिपल आर्कमिडीज प्रिंसिपल अभी पहले ही थोड़ी देर पहले बात किए थे ठीक है बर्नॉल प्रिंसिपल पे रॉकेट कार्य करेगा का? कार्य करता है ठीक है अच्छा रॉकेट की बात कर रहा सॉरी 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 आई एम सॉरी रॉकेट की बात कर रहा है रॉकेट जो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे कल टू एम बी वाले हिसाब से इस पे काम करेगा इस पे काम करेगा बरनोलेज प्रिंसिपल पर हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन हेलीकॉप्टर ये सब ठीक है ना तो प्लावनता का सिद्धांत देता है ठीक है अगला सवाल ले लीजिए ठीक है समझ में आ रहे यहां तक की बातें यहां तक की बातें समझ में आई आप लोगों की चलिए अगला सवाल पृथ्वी के निकट उपग्रह का कच्छी वेग कितना होता है पृथ्वी के निकटतम सबसे जो निकट उपग्रह का जो है जो है वे वेलोसिटी कितना होगा ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट क्लोजर टू द अर्थ इज सात किलोमीटर पर सेकेंड सात हजार मीटर पर सेकेंड ए और बी दोनों नन ऑफ दीज जल्दी बताएंगे बहुत होगा मतलब दोनों के एक ही हुआ ना भाई सात किलोमीटर प्रति सेकेंड और सात हज़ार मीटर प्रति सेकेंड दोनों एक ही हो गया दोनों एक ही हो गया अगला सवाल क्या है चलिए अगला यहाँ पे सवाल होता है समाप्त अगला यहाँ पे सवाल तो होता है यहाँ पे समाप्त लेकिन जो है कुछ चीज़ें आप लोग जान लीजिए क्या चीज़ें और कुछ कुछ बातें करनी थी हमें क्या बातें करनी है भाई बातें ये करनी है चले गए हाँ तीन चीजें आप लोगों को बताया था मैं उस दिन तीन चीजों पे बात करने के लिए बोला था है ना तीन चीजों पे जो बात करने के लिए बोला था एक जो है मोशन लॉ है ना मोशन लॉ तो तीन लॉ के बारे में कौन कौन सा लॉ तीन बताया था मैंने एक तो आपका हो गया था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन न्यूटन के सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ ये तीनों आप लोग आप लोग बढ़िया से जान रहे हैं एक इक्वेशन ऑफ मोशन बताया था इक्वेशन ऑफ मोशन ये बताया था ठीक है इसके तहत तीन फार्मूला बताया था एक फार्मूला बताया था v इजक्वल टू यू प्लस ए टी बी इजक्ल टू यू प्लस ए टी दूसरा इक्वेशन क्या था आपका s इजक्ल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर तीसरा इक्वेशन क्या था भी स्क्वायर इजक्ल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस ये तीन इक्वेशन का जो है फार्मूला आप लोग जो है इस पे बेस्ट न्यूमरिकल्स का कुछ जो है क्वेश्चन आप लोग करेंगे ठीक है ना कुछ क्वेश्चन है सर हमारे अयाची बैच लेना है अयाची बैच लेना है तो ले लीजिए इसके लिए जो है मैं बता दे रहा हूँ कैसे लेंगे इसको मैं बता देता हूँ ठीक है इसको एक बार एक मिनट का समय मुझे और दीजिए मैं आप लोगों को बता देता हूं कैसे ले सकते हैं ठीक है अगर आपको अयाची बैच लेना है तो आप सीधे गूगल क्रोम में जाएंगे गूगल में जैसे जाएंगे आपको जो है यहां पे जो है आपको अड्डा सर्च करना अड्डा टू फोर सेवन टाइप करेंगे अड्डा टू फोर सेवन टाइप करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन इंडिया लर्न लार्जेस्ट वर्नाकुलर लर्निंग प्लेटफॉर्म इसको क्लिक करते ही साथ आपका आएगा ऑल कोर्सेज ऑल कोर्सेज में आप जैसे जाएंगे कभी कभी घूमता है नेट आपका स्लो रहेगा तो घूमेगा अब इंतज़ार कर लीजिएगा ठीक है तो उसके बाद इस्टेट एग्जाम में जाएंगे स्टेट एग्जाम में जाएंगे तो बिहार में चले जाएंगे अब बिहार में अयाची बैच आपको लेना है किस क्लास के लिए लेना है उसको आप लोग देख लीजिएगा बिहार महापैक अगर ले, ले लेते हैं तो इसमें सारा कुछ मिल जाएगा तो बिहार महापैक में एक शिक्षक भर्ती वाला भी आ जाएगा टू सारा कुछ आ जाएगा इसमें है ना ये बिहार महापैक में सारा कुछ आ जाएगा लेकिन अगर आपको चाहिए कि भैया कौन सा लेना है हमें तो हम शिक्षक भर्ती लेना है शिक्षक भर्ती का कौन सा है देख लीजिए शिक्षक भर्ती आप सिक्स टू एट लेना है या नाइन टेंथ लेना है सारा कुछ यहाँ पे है तो नाइन टेंथ शिक्षक भर्ती मान लेते हैं ये वाला है तो शिक्षक भर्ती का भी महापैक है जिसमें अगर दोनों पेपर अगर आप देने के लिए एलिजिबल है अगर दोनों पेपर देने के लिए एलिजिबल है तो आप इसको क्लिक करेंगे इसको जैसे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद जो है आपको ये सामने आ जाएगा है ना ये शिक्षक भर्ती बैच आप ले सकते हैं तो शिक्षक भर्ती जो बैच है टू सब आ जाएगा तो आपको जो पढ़ना है पढ़ सकते हैं बाई नाव जैसे क्लिक करेंगे तो बाई नाव में जो है यह घट के बहुत कम में आ जाएगा यहां पर जो है जैसे आप कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे कोड मांगेगा आपको तो कोड आपको देना है कोड देना वाई है ना यह देना है कोड कोड का ध्यान रखिएगा वाई एट तो ये कोड का अब फिर उसके बाद जैसे आप अप्लाई करेंगे अप्लाई करने के बाद जो है ये घट के बहुत कम हो जाएगा और केवल सिक्स टू एट लेना है या कोई सी एच एस एल का बैच लेना तो वो और भी कम हो जाएगा उसमें आप जाके आप कर सकते हैं फिर कंटिन्यू करेंगे तो सारा कुछ आपसे जो डिटेल मांगेगा वो डिटेल आप यहाँ पे भर सकते हैं या भर दीजिएगा ठीक है तो यही है आपका बैच तो इस कोड को आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कोड को जैसे ध्यान में रखेंगे हम्म हम्म चलिए तो कोड का को याद रखना है वाई एट जीरो टू कौन सा वाई एट जीरो टू फिर उसके बाद अप्लाई कर लेंगे चलिए थैंक यू थैंक यू वेरी मच और कुछ पूछना है लेकिन अयाची बैच नहीं दिख रहा है क्यों नहीं दिख रहा है अयाची बैच कैसे नहीं दिखेगा अयाची बैच कहाँ नहीं दिख रहा है अयाची बैच चलिए कौन सा क्लासेस का लेना है अयाची बैच यहाँ पे आप झारखंड में चले जाइए सिक्स टू एट में चले जाइए सिक्स टू एट में चले जाइए ये सारे अयाची बैच है है ना सोशल साइंस मैथ इंग्लिश हिंदी और साइंस वाले भी ऊपर आप जाएंगे तो और भी दिखेगा यहाँ पर शिक्षक भर्ती देखिए सोशल साइंस यहाँ पर मैथ और साइंस है ना सिक्स टू एट मैथ और साइंस ये वाला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है अच्छी बैच यही बैच है तो इसको क्लिक कर लीजिएगा आप अच्छा ये टेस्ट के लिए है टेस्ट सीरीज़ के लिए है ये सॉरी ये टेस्ट सीरीज़ के लिए है तो उसके बाद अयाची बैच यहाँ पर है अयाची बैच आपका यहाँ पर है वहाँ पैक में आ जाएगा शिक्षक भर्ती में भी आ जाएगा अयाची बैच ठीक है यहाँ पर भी आ जाएगा ठीक है तो उसे मिल जाएगा आप ऐप के थ्रू जाइएगा ऐसे जाने से हो सकता है अगर दिक्कत होगा तो ऐप के थ्रू तो यहाँ तो ऐप डाउनलोड नहीं है मैं नहीं दिखा सकता है लेकिन ऐप के थ्रू जाएंगे तो आपको सारा कुछ मिल जाएगा ठीक है तो कोड यूज़ कीजिएगा आवाई आठ सौ दो और उसके साथ आप सीधे सीधे आप अयाची बैच को ले लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं होगा तो, ओके मिलते हैं नेक्स्ट टाइम थैंक यू थैंक यू वेरी मच बाय